हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रिंकेश कुमार गुप्ता। तो आज अपन डिस्कस करते हैं मैथ कैम्प का पेपर 20 मैथमेटिक्स। तो इसमें वही सेम अगेन 30 क्वेश्चंस हैं। स्टार्टिंग के फर्स्ट 25 क्वेश्चन आपके सिंगल चॉइस के हैं और रिमेनिंग 5 क्वेश्चन आपके इंटीजर के हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया बेटा, इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ एक्स की पावर 4 इक्वल टू 1। अल्फा x की पावर 4 इक्वल टू 1 इक्वेशन का एक रूट है विद नेगेटिव प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जिसका आर्गुमेंट क्या है, नेगेटिव प्रिंसिपल आर्गुमेंट, मतलब उसका आर्गुमेंट नेगेटिव और प्रिंसिपल लेना है। मतलब ये अपन जनरली जानते हैं कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको आर्गुमेंट लेना है तो थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई, देन द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ डेल्टा अल्फा। ये डेल्टा अल्फा एक डिटरमिनेंट है, तो बताओ इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा। तो देखो x की पावर 4 इक्वल टू 1 है, इसके रूट क्या होंगे, अपन लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1, इसके टोटल 4 रूट्स होंगे। तो कितना आ गया, x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1, और एक आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस के आयोटा। तो अल्टीमेटली सिंपल सी बात, x इक्वल टू 1 इधर होगा तो इसका आर्गुमेंट 0, माइनस 1 का आर्गुमेंट पाई, आयोटा का आर्गुमेंट पाई बाई टू और माइनस आयोटा का आर्गुमेंट माइनस के पाई बाई टू। तो क्या पूछा गया है, विद नेगेटिव प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो नेगेटिव प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना होगा बोलो, माइनस के पाई बाई टू। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है उसका आर्गुमेंट माइनस पाई बाई टू, इसका मीनिंग अल्फा की वैल्यू लेनी है आपको आयोटा, माइनस आयोटा सॉरी। ये रिमेंबर दिस कि अपना जो अल्फा है वो कितना आ गया, माइनस के। अब देखो अपन इस गिवन डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं। तो देखो सिंपल फॉर्म क्या है, इसकी जो सेकेंड रो है आर टू, इसमें अल्फा की पावर एन तीनों में कॉमन, और आर थ्री में अपोन में अल्फा की पावर एन कॉमन, क्योंकि तो जीरो है। तो आर टू में तो अल्फा की पावर एन न्यूमेटर में कॉमन लोगे, और आर थ्री में वन अपोन अल्फा की पावर एन कॉमन लोगे, तो ये तो पार्ट क्या होगा, कैंसिल आउट। तो रिमेनिंग पार्ट इज डेल्टा अल्फा बिलोंग्स टू वन 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 एंड दिस इज वन अल्फा अल्फा क्यू, वन अल्फा अल्फा क्यू, वन अल्फा अल्फा क्यू, इसमें आ गया वन बाई अल्फा वन एंड जीरो, वन बाई अल्फा वन एंड जीरो। अब अपन इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो एक ऑप्शन तो क्या है कि सीधा डिटरमिनेंट ओपन कर दो, या फिर चाहो तो अपन दो रो को या दो कॉलम को क्या बना सकते हैं, जीरो। तो सी वन में से सी टू माइनस करो, या सीधा एक काम करो डायरेक्ट ही सोल्व कर देते हैं। तो वन के अलॉन्ग ओपन करने पर जीरो माइनस अल्फा क्यू माइनस वन इंटू दिस पार्ट चला गया, जीरो माइनस के अल्फा स्क्वायर और प्लस वन के अलोंग क्या होगा, वन माइनस वन, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो अल्टीमेटली कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस के अल्फा, ये आपका आ गया डेल्टा अल्फा। अब इसमें अल्फा को आप पुट करोगे माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर दिस इज माइनस वन, माइनस ध्यान दो माइनस आयोटा का क्यूब, तो माइनस का क्यूब तो प्लस आ गया और आयोटा का क्यूब इज अगेन माइनस के आयोटा। तो अल्टीमेटली ये आपका आ गया डेल्टा अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ध्यान दो इसमें एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में जब भी आपको क्या करना है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो क्या होगा, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का मोड। तो ये आ जाएगा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई इज वन और एक्स इज ऑल्सो वन, क्योंकि मोड लेना है, तो टेन इनवर्स वन की वैल्यू पाई फोर, तो माइनस पाई प्लस पाई फोर, तो देन इसका आंसर फिल करना है माइनस के थ्री पाई फोर। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, इफ एबीसीडी पॉजिटिव नंबर है एंड आपको एक इनइक्विटी गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू एक्स, ये एक्स इसके मल्टीप्लाई में प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो, फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन दी वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस पार्ट इक्वल टू। तो देखो क्या थीम है करने की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझे। ये जो आपको इनइक्विटी का एक एक्सप्रेशन गिवन है इसको केयरफुली देखें, ध्यान दो ये आ गया ए स्क्वायर, इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी इंटू ये एक्स था अपना साइड में, तो आ गया माइनस के टू ए बी एक्स और प्लस दिस पार्ट बी स्क्वायर। सिमिलरली अपन सेकेंड ब्रैकेट में बात करते हैं, इधर से तो लो बी स्क्वायर, इसमें से लो माइनस के टू बी एक्स के और इससे लोगे प्लस के सी स्क्वायर, अल्टीमेटली आ गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के टू बी सी एक्स प्लस के सी स्क्वायर। और लास्ट थिंग इज सी स्क्वायर माइनस के टू सी डी एक्स प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो। ये आपको इनइक्विटी गिवन है, क्या कि आपने ईच ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को सेपरेट किया, ईच ब्रैकेट की सेकंड टर्म को सेपरेट किया और ईच ब्रैकेट की थर्ड टर्म को सेपरेट किया। देखो ये थोड़ा समझने वाला पार्ट है, जब भी एक सिंगल इनइक्विटी गिवन हो और आपको वेरिएबल्स में रिलेशन लाना है तो मेनली 99% क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं बेटा, उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की ट्राई करो। क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो और जीरो से ग्रेटर। इस थीम पे अपन को काम करना है। तो ये तो आ गया, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट पार्ट इज बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर और नेक्स्ट इज सी एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर लेस इक्वल टू जीरो। ये सॉरी एक्स स्क्वायर भी था साथ में। इतना आने के बाद देखो थ्री होल स्क्वायर का सम, होल स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव, होल स्क्वायर की वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव, होल स्क्वायर की वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव। तो थ्री स्क्वायर का सम हमेशा क्या होगा, जीरो जीरो से ग्रेटर, तो ये कभी लेस देन नहीं हो सकता, तो उसको इक्वल टू जीरो करोगे। तो ये आ गया ए एक्स माइनस बी इंटू ए एक्स माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर और लास्ट इज सी एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तीन स्क्वायर का सम जीरो आ गया, तो थ्री स्क्वायर का जीरो कब हो सकता है, जब दिस पार्ट जीरो, होल स्क्वायर का सम जीरो, इसका मतलब समथिंग इक्वल टू जीरो एंड समथिंग जीरो एंड समथिंग जीरो। एक बार इसको जीरो करोगे, एक बार इसको जीरो करोगे, तीनों को सेपरेट आप जीरो कर दो, दिस कॉमा दिस आर टू साइमल्टेनियसली, तो क्या जाएगा, एक से तो रिलेशन आ गया ए एक्स इक्वल टू बी इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू क्या आ गया, वी अपॉन ए। सिमिलरली इससे एक्स की वैल्यू क्या अचीव होगी, एक्स इक्वल टू सी बाय बी और लास्ट से क्या होगी डी वाई सी। तो देखो जब आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, देन ए कोमा बी कोमा सी आर एन जी पी। सिमिलरली इससे क्या होगा सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी देन बी कोमा सी कोमा डी आर ऑल्सो इन एन ए पी। तो ध्यान दे ए बी सी आपके जी पी में है और बी सी डी आपके जी पी में है, तो इसका मीनिंग क्या होगा ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी आर ऑल्सो इन ए जी पी। जो नंबर्स है आपके ए बी सी डी ये ऑल फोर नंबर्स आर इन जी पी इन गिवन ऑर्डर, मतलब ये चारों नंबर, मतलब गिवन कंडीशन से आपको पता चल गया कि जो ये नंबर्स है ए बी सी डी ये क्या होंगे, इसी ऑर्डर में ए जी पी में होंगे। चलो अब इस थीम को यूज करेंगे इस गिवन डिटरमिनेंट के अंदर। ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी आर इन जी पी, तो देखो अपने जो जिस डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए उसमें कौन प्रेजेंट है, लॉग ए लॉग बी लॉग सी। तो अपन जानते हैं बेटा कि ए बी सी डी अगर जी पी में है तो उनका जब लॉग लेते हैं जी पी के नंबर्स का लॉग बिकम इन ए पी, तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी एंड लॉग डी आर एन एन ए पी, ये ऑल फोर नंबर्स आर एन ए पी। अब अगर ये नंबर ए पी में है तो सेकेंड में से फर्स्ट का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होगा, थर्ड में से सेकेंड का डिफरेंस इज कॉमन डिफरेंस और फोर्थ में से थर्ड का डिफरेंस भी क्या होगा कॉमन डिफरेंस। तो अपन लिख सकते हैं लेट कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी इक्वल टू लॉग बी माइनस लॉग ए, सिमिलरली log c माइनस log b, सिमिलरली log d माइनस log c। ये लिखने के बाद अब ध्यान दो ऐसा क्यों किया गया, जब आप इस r2 रो को रिप्लेस करोगे r2 इज रिप्लेस बाय r2 माइनस r1 एंड r3 इज रिप्लेस बाय r3 माइनस r2, तो देन वी विल गेट r2 में से r1 को माइनस करो तो अगेन r2 रिप्लेस करो तो कितना जाएगा, देखो सिक्स आर वन तो एज इट इज 13 33 14 लॉग ऑफ ए, 65 में से 33 को सेपरेट करो तो 2 एंड 3 32 आ गया, 97 में से 65 को माइनस करो तो ये 2 ये 3 ये 32 आ गया और ये 27 ये 14
तो सबट्रैक्ट पे तेरे आ गया, ये 13 आ गया, और ये आ गया लॉग बी माइनस लॉग ए। लॉग बी माइनस लॉग ए का मीनिंग कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी, कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी। और अब देखें आप, जब भी किसी डिटर्मिनेंट में टू रो या टू कॉलम आपके इक्वलेंट हो, सेम वैल्यू हो, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बन जाती है बेटा, जीरो। तो आपको इसका थर्ड ऑप्शन फिल करना है जिसमें जीरो आंसर है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ आपको एक डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है और वो डिटरमिनेंट के अंदर एलिमेंट कौन है, 9c4, 9c5, 10cr, 10c6, 10c7, 11cr+2 अप टू सो ऑन, देन दी वैल्यू ऑफ r इज। तो बताओ ये जो गिवन ऑप्शन है इसमें से r की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखो केयरफुली समझे अपन ने, एक सिंपल सी, जब भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन हो तो आप प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने की ट्राई करें, क्योंकि डिटरमिनेंट को अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे तो हो सकता है कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाए। अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है बेटा बाइनोमियल थ्योरम में, NCR प्लस NCR माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, N प्लस 1CR। बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी, रिमेंबर दिस। इसको ऐसे याद करें, जब दो बाइनोमियल कोफिशिएंट समेशन में हो जिनका प्रीफिक्स तो सेम है और सफिक्स में 1 का डिफरेंस है, ये R है तो ये से कम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रीफिक्स में तो 1 ऐड कर दो और सफिक्स में से जो ग्रेटर उसको लिख दो आप, ऐसे याद करने का तरीका है। तो क्या गया, एन प्लस वन सी आर। तो ध्यान दो आप, ये दोनों का प्रीफिक्स सेम है और इनमें 1 का डिफरेंस है, इनमें भी 1 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है। तो आप क्या करो, ये आपका कॉलम C1 है, कॉलम C2 है, तो रिप्लेस करो, C1 इज रिप्लेस बाय C1 प्लस C2, एक को रिप्लेस कर दो, ऑटोमेटिक सेट है, C1 इज रिप्लेस बाय C1 प्लस C2। तो कितना जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, ध्यान दो, 9C4 प्लस 9C5, 9C4 प्लस 9C5 को लिख सकते हैं 10C5, ये आ गया 10C5, 9C5 एज इट इज, और लास्ट कॉलम 3 इज ऑल्सो एज इट इज, यस सर, ये डिटरमिनेंट जीरो हो गया मैंने। सिमिलरली 10C6 प्लस 10C11 इज, सॉरी एक इसको इनकी गणना कर दिया, तो 10 की जगह क्या जाएगा 11C7, अगले में 11 की जगह क्या होगा 12C9, दिस पार्ट एज इट इज, 10C7 एज इट इज, और ये 11C9 एज इट इज बेटा, और दिस इज 11CR+2 एंड दिस इज 11CR+4, ये आ गया। अब देखो, या तो कैलकुलेट करो आप, और थोड़ा इसको विजुलाइज करोगे तो अपन गेट कर सकते हैं। आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू को जीरो लाना है, तो अपन को पता है कि टू कॉलम और टू रो अगर इक्वलेंट हो, सेम हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो देखो आप, इसमें जो C1 और C3 कॉलम है, इन दोनों का प्रीफिक्स सेम है 10, इन दोनों का प्रीफिक्स सेम है 11, और इन दोनों का प्रीफिक्स भी, सॉरी 12 था, ये सेम है, ये 5 है, ये R है, ये 7 है, ये R+2 है, ये 9 है, ये R+4 है। तो देखो, जैसे आप इसमें R को 5 पुट करोगे, तो ये 10C5, 11C7, 11C7, 12C9, 12C9, तो क्या होगा, जब R की वैल्यू को 5 पुट करोगे, तो देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट इज 0, तो देन इसका थर्ड ऑप्शन आपको फिल करना है, ठीक है, थैंक यू। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4th इज, और ये थोड़ा याद रखें, मोस्टली डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल थ्योरम, इनको मैक्स जनरली वो यूज करता है, कभी कभार एक दो बार IIT JEE मेंस में क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से भी आ चुके हैं, ठीक है। तो कभी भी मैक्सिम क्वेश्चन जो आते हैं IIT के अंदर, JEE मेंस में, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के, उनमें वो काफी टॉपिक्स को मिक्स भी करता है। ये भी क्वेश्चन उसी थीम पे, इसमें जनरली इसने HP का यूज किया। तो पढ़ो क्वेश्चन को, लेट A1, A2, A3, 5, 4, A6, A7, A8, A9 आर इन HP एंड दी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस पार्ट इज D। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को डी मानना है, देन दी वैल्यू ऑफ 21D/10 इज। तो बताओ 21D/10 की वैल्यू क्या रही होगी। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये जो डिटरमिनेंट है इसमें A1 into A3, A6, A7, A8 और A9 की वैल्यू को फाइंड आउट करके पुट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे देखते हैं क्या करना है। तो देखो वैल्यूज के लिए क्या करोगे, ये नंबर्स अगर आपके HP में है तो उनका रेसिप्रोकल किस में होगा, AP में।
जब भी क्वेश्चन एचपी का हो तो अपन ट्राई करते हैं उसको एपी में कन्वर्ट करने की, और अपन एपी के सारे फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। तो देन वी कैन राइट नाउ 1 upon a1, 1 upon a2, 1 by 5, 1 by 4, 1 by a9 in an AP। ये नंबर आपके किस में होंगे बोलो? एपी में। ये नंबर अगर एपी में है तो अपन को a1, a2, a6, a7 इन सबकी वैल्यू को क्या करना है? कैलकुलेट। तो उसका थीम क्या है? अपन लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस। सिंपल सी बात है, ये नंबर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? किसी भी टर्म में से उसकी प्रीसीडेंट टर्म को माइनस कर सकते हैं। तो डी आगे इससे 1 by 4 - 1 by 5, दिस इज 1 by 20। ये लो कॉमन डिफरेंस आने के बाद अब क्या करो, ये इसकी कौन सी टर्म है? फोर्थ टर्म। और ये इसकी कौन सी टर्म है? फिफ्थ टर्म। तो एपी की फोर्थ टर्म क्या होगी? T4 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 to d, एन इज 4 तो 3d आ गया। तो अपन लिख सकते हैं 1 upon 5 इक्वल टू 1 by a1 प्लस 3 of d। तो 1 by a1 क्या होगा? 1 by 5 - 3 by 20। 20 इसका एलसीएम लो आप तो कितना जाएगा? 4 - 3 = 1। ये लो अल्टीमेटली इसमें a1 आ गया 20। इसका रेसिपल करोगे आप, a1 20 आ गया। अब एक बार a2 की बात करते हैं, फिर आगे सिमेट्री से आपको आईडिया लग जाएगा। वही सिमिलरली सेम मेथड क्या लिखोगे? 1 by 5 के बाद 1 by 5 के बाद 1 by 4 है। ये फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है इसकी, ये फिफ्थ टर्म है। तो फिफ्थ टर्म क्या होगी? 1 by 4 इक्वल टू 1 upon, हाँ अब ऐसा क्यों करो, जब इतना हो गया तो 1 upon a2 के लिए क्या करोगे? सेकेंड टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो देखो फर्स्ट टर्म 1 by 20 है, कॉमन डिफरेंस 1 by 20 है, तो सेकेंड टर्म क्या जाएगी? 1 by a2 इक्वल टू 2 by 20, मतलब a2 आ गया 20 by 2। सिमिलरली a3 क्या होगा? 20 by 3 अप टू सो ऑन, क्योंकि 1 by 5 को लिख सकते हैं ना, कर दो उसको अगेन 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? 20 by 5, मतलब अपॉन में सबके नीचे 1 2 3 4 5 20 आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आ गया? डिटरमिनेंट ऑफ a1 का मीनिंग 20, a2 का मीनिंग 20 by 2, अगला 20 by 3। इसको भी इसी फॉर्मेट में लिखो, 20 by 4, 20 by 5, दिस इज 20 by 6, नेक्स्ट इज 20 by 7, 20 by 8 एंड 20 by 9। अब देखो इसको स्पीडली सॉल्व करने का मेथड क्या है, और इसको कैपिटल डिलीट करना आफ्टर दैट। R1 रो में 20 कॉमन, R2 रो में 20 कॉमन, और R3 में 20 कॉमन। सबसे पहले तो R1, R2, R3 में आप न्यूमेरेटर में 20 को कॉमन लो, तो 23 बार कॉमन होगा, तो क्या गया? 20 की पावर 3। तो ये रिमेनिंग पार्ट आ गया 1/2 1/3। इसके बाद देखो इसमें अल्टीमेटली करना क्या, आप खुद समझ सकते हो, चलो लिख ही देते, कोई बात नहीं। 1 by 4 1 by 5 1 by 6 1 by 7 1 by 8 और 1 by 9। अपनी मेन थीम क्या होगी डिटरमिनेंट को सोल्व करने की? कि डिटरमिनेंट के अंदर अगर बाई चांस वन रो में अगर 2 एलिमेंट 0 हैं, तो थर्ड एलिमेंट के अकॉर्डिंग अपन डायरेक्ट उसको ओपन कर सकते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, इस C1 कॉलम में तीनों एलिमेंट को 1-1 लेके आते हैं, उसके बाद उस पर क्या करेंगे? ऑपरेशन अप्लाई। तो ध्यान दो, इसमें 1/4 कॉमन लो और इसमें 1/7 कॉमन लो। R2 में तो 1/4 कॉमन लेना है और R3 में 1/7। तो देखो ये आ जाएगा 20 का क्यूब अपॉन 4 × 7। तो देखो रिमेनिंग पार्ट क्या अचीव होगा, फर्स्ट रो एज इट इज 1 1/2 1/3। जब इसमें से 1/4 कॉमन लोगे तो इधर तो 1 आ गया, ये 4/5 आ गया, और ये 4/6 का मतलब 2/3 आ गया, और इधर क्या होगा? 1 7/8, और दिस इज 7/9। दिस पार्ट आने के बाद अब क्या करो, आप इसमें ऑपरेशन अप्लाई करो, R1 इज रिप्लेस बाय R1 - R2 एंड R2 इज रिप्लेस बाय R2 - R3। तो उससे ऑटोमेटिकली R1 R2 के दोनों फर्स्ट एलिमेंट क्या बन जाएंगे? 0। फिर अपन इसके अलोंग इसको क्या करेंगे? एक्सपेंड। तो चलो करते हैं, क्या लिखना है? R1 इज रिप्लेस बाय R1 - R2, R2 इज रिप्लेस बाय
आर टू माइनस आर थ्री। तो डिटरमिनेंट को डी बोला गया, तो डी आ गया 20 का क्यूब अपॉन 28 जीरो जीरो वन। फिर आपको 1/2 में से 4/5 को माइनस करना है, तो अलग से करके देख लेते हैं। 1/2 माइनस 4/5, तो 10 एलसीएम आ गया, तो आ गया 5 माइनस 8। सिंपल, क्योंकि 2 ए 10 है तो 5 5 10 2, तो 8 माइनस के 3/10। यस सर, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं। फिर 1/3 में से 2/3 माइनस, तो 1/3 माइनस 2/3, ये तो सिंपल क्या आ गया, माइनस के 1/3। नेक्स्ट 4/5 माइनस 7/8, ये लो 4/5 माइनस 7/8, इसका 40 एलसीएम लोगे, तो कितना आ गया माइनस के 1/40, माइनस के 3/40। और नेक्स्ट में 2/3 माइनस 7/9, तो क्या गया 18 माइनस 21/27, तो दिस इज माइनस के 3/27। और दोनों ये एज इट इज 7/8 7/9 एज इट इज। अब बस लास्ट इसको ओपन, इस वन के अलोंग क्या कर देते हैं, एक्सपेंड। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, चलो ठीक है डायरेक्ट ही कर देते, क्यों टाइम वेस्ट करो। तो ये आ जाएगा 20 का क्यूब अपॉन 28 ब्रैकेट, वन के अलोंग लोगे तो दिस इनटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस आ गया, तो कितना आ गया 9 3 और 3 9 अपॉन 10 इंटू 27। यस सर, माइनस दिस इंटू दिस अगेन प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो देखो ये न्यूमेटर में 3 है डिनोमेटर में 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस के आ गया 1/40। अब देखो क्या करें, इसमें पहले तो लो 10 एलसीएम, 10 कॉमन आ गया, तो कितना आ गया 20 इंटू 20 इंटू 20, और अपॉन में 10 कॉमन 28 एज इट इज, और रिमेनिंग पार्ट ध्यान दो ये 10 कॉमन आ गया, 9/27 1/3, और रिमेनिंग पार्ट आ गया 1/4, 4 इधर ये 3 इधर, तो ये 1/12 आ जाएगा। अब अपन इसको सोल्व करके देख लेते हैं, और इस डी की वैल्यू को इसमें पुट करना आफ्टर दैट अपन को। तो देखो ये 0 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो ये 6 आ गया, सुनना 6 से 2 कैंसिल कर दो तो ये 10 आ गया, तो ये 3 आ गया। तो न्यूमेटर में क्या आ गया डी की वैल्यू, सुनो डी इक्वल टू आ गया न्यूमेटर में 1, तो 20 आ गया, बस ये आ गया 20 अपॉन 20 इंटू 10। यस सर, 20 10, और अपॉन में आ गया 3 इंटू 28, 28 को चाहो तो 4 से कैंसिल कर दो, तो ये 5 आ गया, और ये सच्चों के 28 आ गया, मतलब अल्टीमेटली आ गया 50 अपॉन 21, डी आ गया 50, थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, 50 अपॉन 21। तो जैसे ही पढ़ 21 कैंसिल, तो 50/10 इज 5, मतलब सेकंड ऑप्शन आपको इसका फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x+2ay+az0, x+3by+bz=0 and x+4cy+cz=0 हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, देन ए बी सी आर एन। इसका मीनिंग क्या है कि जो थ्री होमोजीनियस सिस्टम का इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो ध्यान रखें, जब भी होमोजीनियस सिस्टम है आपका थ्री वेरिएबल का, और उसके बोले जाए नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसका मीनिंग है उसके इन्फाइनिट सॉल्यूशन होंगे, और किसी भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्या हो, इन्फिनिटी सॉल्यूशन, तो उसका डेल्टा जीरो होगा। डेल्टा का मतलब
उसमें एक्स वाई जेड के जो कॉफिशियंट है उनसे बनने वाली डिटरमिनेंट की वैल्यू को क्या करना है, जीरो। तो नॉन जीरो का मीनिंग है डेल्टा जीरो, इसको बोलते हैं नॉन ट्रायवल सॉल्यूशन। तो डेल्टा का मीनिंग एक्स वाई जेड से बनने वाले कॉफिशियंट का सम जीरो करो, तो कितना जाएगा, वन टू ए ए, वन टू ए ए, नेक्स्ट में लिखोगे वन थ्री बी बी, वन थ्री बी बी एंड लास्ट में वन फोर सी एंड सी। इस डिटरमिनेंट को अपन को जीरो करना है। तो अब देखो कुछ कॉमन तो ले नहीं सकते, चाहो तो दो रो को जीरो बना दो, ये सीधा ओपन कर देते, नो प्रॉब्लम। तो डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर दो आप आर वन के अलोंग, तो कितना जाएगा, वन इंटू दिस इंटू दिस, थ्री बी सी माइनस फोर बी सी माइनस टू ए, ब्रैकेट इस रो कॉलम को हटाओ, तो सी माइनस बी, वन इंटू सी माइनस बी, तो दिस इज सी माइनस बी प्लस ए ऑफ फोर सी माइनस थ्री बी इक्वल टू जीरो। तो देखो ये तो आ गया माइनस के बी सी, ये आ गया माइनस के टू ए सी प्लस टू ए बी, क्या आ गया, माइनस के टू ए सी प्लस टू ए बी, और दिस इज फोर ए सी माइनस के थ्री ए बी इक्वल टू जीरो। तो देखो फाइनली क्या रह गया, माइनस के टू ए सी प्लस के फोर ए सी, दिस इज टू ए सी, उसके बाद माइनस के टू ए सी सॉरी प्लस के टू ए बी माइनस के थ्री ए बी माइनस के बी, उसको उधर लेके चले जाओ तो प्लस का ए बी आ गया, और ये माइनस के टू उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस के बी सी। बी कॉमन ले लो तो क्या बच गया ब्रैकेट में, ए प्लस सी, ए प्लस सी से डिवाइड कर दो तो बी इक्वल टू आ गया टू ए सी अपॉन बी प्लस सॉरी ए प्लस सी। इसका मीनिंग क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी आर एन एन एच पी। तो देन इसका आपको थर्ड ऑप्शन फिल करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या करना है, इफ दी वैल्यू ऑफ पाई, पाई का मीनिंग प्रोडक्ट, के इक्वल टू वन से फिफ्टी वन टू के माइनस वन जीरो एंड वन इज इक्वल टू वन आर जीरो वन देन आर इक्वल टू, मतलब अल्टीमेटली इसको अपन को क्या करना है, बोलो मल्टीप्लाई करना है। तो उसको लिखते हैं अपन एक बार, पाई को ओपन करने का मीनिंग क्या होगा, आपको मल्टीप्लाई करना है इसको। तो कितना आ गया, जब के को वन लोगे तो वन वन जीरो वन, फिर अपन वन के बाद टू पुट कर देते हैं तो जीरो थ्री जीरो वन, नेक्स्ट दो तीन वैल्यू और पुट करते ताकि सिमेट्री से कुछ आईडी लगे, टू लेने पे टू क्या थ्री लोगे तो वन फाइव वन फाइव जीरो वन, नेक्स्ट होगा वन ऑड नंबर है सभी, और ए को लिख देते वन नाइन जीरो वन अप टू सो ऑन। तो देखो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट और सेकंड को, तो कितना आ गया, रो बाय कॉलम, वन को वन वन को वन जीरो से तो वन आ गया, दिस को दिस से किया तो अगेन वन आ गया, जीरो जीरो ये जीरो आ गया, जीरो वन तो ये अगेन वन आ गया, सिंपल। आफ्टर दैट क्या करना है, दिस पार्ट को दिस पार्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा कर देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई अचीव होगा अपने पास कितना, वन 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 जीरो वन आ गया, इस रो को उस कॉलम से तो ये तो फाइव वन फाइव, रो बाय कॉलम तो वन फाइव, तो ये कितना जाएगा बोलो, दिस इंटू दिस तो आ गया वन, और ये आ गया सिक्स, उसके बाद रो वाई कॉलम तो रो को कॉलम से किया तो वन आ गया, फाइव और वन सिक्स आ गया, जीरो वन जीरो आ गया, और ये अगेन वन आ गया। ठीक है, इतना करने के बाद अब एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आने वाला है, दोबारा सुन लो, पहले आपने इसको इससे किया तो ये आ गया वन जीरो, अब अपन क्या करेंगे, दिस पार्ट को दिस पार्ट से मल्टीप्लाई। तो देखो जब रो बाय कॉलम करोगे आप, वन 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 जीरो वन
1 1 1 3, तो 1, हाँ ये थोड़ी मिस्टेक कर दी, ये तो एलिमेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 0 1 1 into 3, ये सॉरी 4 होगा, क्या होगा बोलो 4। अब दिस पार्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई, तो ये 1 आ गया, 1 0 1 5 4 9, ये 9 होगा, उसके बाद ये अगेन 0 और अगेन 1, मतलब ओनली जो करस्पोंडिंग टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज केवल इस एलिमेंट में आ रहा है। देखो जब के 1 है तो 1 आ रहा है, के 2 का मीनिंग जब आपने फर्स्ट टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, मतलब 2 स्क्वायर, फिर फर्स्ट 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। सिमिलरली जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो दिस पार्ट को दिस पार्ट से करने पे 9 और 7 16 आ गया, मतलब 4 स्क्वायर आ गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, के को 1 लेने पे सेकंड टर्म 1 है मल्टीप्लाई पे, के को 2 लेने पे फर्स्ट टू मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में सेकंड टर्म 2 स्क्वायर है, के 3 का मतलब फर्स्ट 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे सेकंड टर्म क्या होगी 9 का मतलब 3 स्क्वायर, ऐसे ही 4 का मतलब 4 स्क्वायर। तो देन आप जब इसको 50 तक मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड टर्म क्या होगी 50 का स्क्वायर, तो देन आर की वैल्यू क्या होगी 50 का स्क्वायर, दिस इज 2500। तो देन आपको इसका सेकंड ऑप्शन फिल करना है। उसके बाद देखो सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x-2y + z = a, 2x + y - 2z = b एंड x + 3y - 3z = c हैव एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, देन रिलेशन बिटवीन ए बी सी। ये ध्यान रखें जब भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन हो 3 वेरिएबल में या 2 वेरिएबल में और आपसे पूछा जाए एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिंगल सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। ध्यान रखें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का मीनिंग है 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आप क्या करें, और ऐसा क्वेश्चन जेई मेंस में काफी टाइम्स आ चुका है, तो जो गिवन 3 इक्वेशन है उनसे आप कैसे भी करके एक्स वाई जेड को एलिमिनेट कर दो तो ऑटोमेटिकली आपको एबीसी में रिलेशन आ जाएगा। तो देखो ध्यान दो, ये एक्स और एक्स क्या रहा है 2x और ये प्लस का 2x, मतलब फर्स्ट और थर्ड को अगर आप ऐड करते हो तो 2x कैंसिल हो सकता है, ऐसे ही -2y 3y + y तो -5 कैंसिल आउट, और ये -3z और +z -2z तो -+ हो गया। इसका मीनिंग फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को तो आप ऐड करो और सेकंड को क्या कर दो सबट्रैक्ट, तो देन वी विल गेट a - b + c = 0। तो देन इसका सेकंड ऑप्शन आपको फेल करना है। देखो 8 क्वेश्चन में क्या करना है, लेट ए वी वी 2x3 मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर तो बोला गया 2x3 और एक मैट्रिक्स बी का ऑर्डर मेंशन है आपको 3x2। तो ध्यान दो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी 4 गिवन है, तो बताओ डिटरमिनेंट ऑफ बी ए की वैल्यू क्या होगी। इसमें मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर ए बी का जो डिटरमिनेंट है उसको मैं लिख सकता हूं सीधा मोड ए मोड बी, ये लो, और पूछा है आपसे बी ए का डिटरमिनेंट, तो बी ए के डिटरमिनेंट को भी लिख सकते हैं अपन सर बी ए का मोड मतलब डिटरमिनेंट ऑफ बी डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो दोनों सेम होंगे, तो देन इसका थर्ड ऑप्शन आप फिल कर दो। बट ऐसा नहीं होगा, ये जो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अपन कि ए बी का डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ बी और बी ए का डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ बी डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये केवल उसी केस में इक्वल है या दिस पार्ट को दिस पार्ट केवल जब भी लिखना है ए एंड बी आर सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेना है तो वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो आप सेपरेट तो डिटरमिनेंट ले नहीं सकते क्योंकि इनका जो ऑर्डर है वो स्क्वायर, मतलब सिंपल सी बात जो मैट्रिक्स है वो अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका थर्ड ऑप्शन होगा, बट ये रॉन्ग आंसर है। तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट में करना है, तो थोड़ा समझना, 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है, समझे आप क्या करो, आप एक डिटरमिनेंट लेट करो ए 2x3 की, 2x3 का मीनिंग जिसमें 2 तो रो है और 3 कॉलम है, तो कितना इसको लेट कर लेते हैं a1 a2 a3 a4 a5 एंड ये मैंने डिटरमिनेंट ऑफ ए लेट की, फिर अपन लेट करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ बी, दिस इज 3x2,
पी कंसीडर करो आप, बी वन सॉरी दिस इज 3x2, 3x2 का मीनिंग 3 रो है और 2 कॉलम है, तो बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव एंड ये लो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अपन करते हैं ए बी का मल्टीप्लाई, सुनना केयरफुली क्या करते हैं ए बी का मल्टीप्लाई, फिर उसका ट्रीटमेंट की बात बाद में, थोड़ा लेंथी होगा, क्या होगा वो 2x2 का होगा, क्या होगा बोलो 2x2 का। तो जब आप इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए बी लिखोगे, या फिर एक सीधा काम करो ना, अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ बी ए, तो सीधा डिटरमिनेंट ऑफ बी ए लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्या लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ बी ए, तो उसी की बात करते हैं पहले। ए बी की बात बाद में, तो बी ए क्या होगा थोड़ा केयरफुली करना, उल्टा लिखा हुआ है, बी ए का मतलब 3x2 2x3, तो ये 3x3 का होगा बेटा, क्या होगा 3x2 का। तो कैसे करेंगे, रो बाय कॉलम बी वन बी टू को दिस पार्ट से मल्टीप्लाई, रो बाय तो पहले बी के तो रो लेने और इसके कॉलम, तो कितना जाएगा बी वन ए वन प्लस बी टू ए फोर, उसके बाद इस आर वन रो को इससे करोगे तो क्या आएगा बी वन ए टू प्लस बी टू ए फाइव और लास्ट एज आर वन को सी थ्री से, दिस इज बी वन ए थ्री प्लस बी टू ए सिक्स, इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर ऐसे ही अपन आर टू को करस्पॉन्डिंग सी वन सी टू सी थ्री से और आर थ्री को ये कर सकते हो। इतना करने के बाद फिर इसका लेंगे अपन डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ए वी का मतलब इसका दोनों तब लेना डिटरमिनेंट आप ऐसे। अब देखो आगे थीम क्या है इसको करने की, वो समझे, ये आप कर देना कैलकुलेशन, सिंपल सा पार्ट है, आगे की जो मेन स्टेप है उसको देखो क्या करना है मेरे को। ये जो डिटरमिनेंट है इसको अपन टू डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, ये 3x3 की डिटरमिनेंट है तो अपन 3x3 की टू डिटरमिनेंट के मल्टीप्लाई में की फॉर्मेशन में लाने की इसको ट्राई करते हैं। तो देखो ढंग से ये कैसे करते हैं, जैसे लेट ये बी वन बी टू है, इसमें भी बी वन बी टू है और इसमें भी क्या बी वन बी टू, तो इसको लिख दो बी वन बी टू और इसमें तो क्या रहा है ए वन और ए फोर, तो ऐसे लिख लो आप ए वन और ए फोर, सुनना केयरफुली, इसमें कौन आ रहा है ए टू ए फाइव, तो ए टू ए फाइव और इसमें कौन है ए थ्री ए सिक्स। अब सुनो एक बार, इसमें भी आप ऐसे याद करो कि हमको रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करना है, तो इस R1 को C1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको जीरो लेट करना पड़ेगा और इसको भी क्या लेना पड़ेगा जीरो, फिर दिस पार्ट को दिस से करना है तो इसको जीरो और इसको जीरो, आप कंप्लीट जब लिख के देखोगे तो इसी को फॉलो करेगा। एक बार ये आ गया, अब आगे इसको फिल करो ना फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ये जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी जीरो इंटू समथिंग जीरो, अल्टीमेटली इसमें भी जब आप लिखोगे तो बी वन बी टू फिर बी टू बी थ्री जो भी है एग्जैक्ट सॉरी बी थ्री बी फोर होगा और बी फाइव बी सिक्स और ये भी आपके क्या जाएंगे जीरो, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो इसका मल्टीप्लाई जीरो होगा। मतलब अल्टीमेटली पता ये चला कि जब आपको ए डिटरमिनेंट ऑफ ए 2x3 की है और डिटरमिनेंट ऑफ बी 3x2 की है तो और डिटरमिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू 4, 5, 6 कुछ भी दो, डिटरमिनेंट ऑफ बी ए हमेशा फिल जीरो करना आपको, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिमेंबर दिस। तो देन इसका जीरो मतलब सेकेंड ऑप्शन आपको फिल करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है आपको 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन दी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट एडजॉइंट ए, जो एडजॉइंट एडजॉइंट ए मैट्रिक्स है उसका ट्रेस बताना है, ट्रेस का मीनिंग सम ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है उनका समेशन। तो देखो क्या करना है इसमें, एडजॉइंट एडजॉइंट ए मैट्रिक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होती है मोड ए आई एन, ठीक है, आपको क्या चाहिए एडजॉइंट एडजॉइंट ए, तो एक काम करो इसमें बोथ साइड ए इज रिप्लेस बाय एडजॉइंट ए,
ए को आप एडजॉइंट ए से क्या करोगे रिप्लेस, तो कितना जाएगा ये, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए की जगह एडजॉइंट ए पढ़ना है, और क्या आ गया एडजॉइंट ए मोड आई एन। ठीक है, एक छोटा सा काम और कर सकते हो, जब आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू सोल्व करोगे, डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू बेटा बनाएगी करके देख लेना आप सब, तो इसको सीधा मैं वन लिख सकता हूँ, उसको हटा दे उसमें से, टाइम बच जाएगा इससे, तो फिर ये बना गया तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं मेरे को, आई ही नहीं होगा। और उसके बाद ये आने के बाद एक काम करो, इसको बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मोड ए अगर वन है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो एक काम करो इसको दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी ये आ गया और इधर भी ये, कोई दिक्कत नहीं है। और ए एडजॉइंट ए का मीनिंग क्या है, आई एन, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए से वन है, तो ए एडजॉइंट ए आई एन आ गया, तो आई एन इंटू समथिंग इज समथिंग, तो क्या आ गया अल्टीमेटली एडजॉइंट, एडजॉइंट ए है वो क्या आ गया, ए आई एन आ गया, और ए आई एन को क्या लिख सकते हैं, ए, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर आपका वन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है वन, तो एडजॉइंट एडजॉइंट ए भी क्या होगा, मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा। तो अब आपको मैट्रिक्स ए के जो प्रिंसिपल एलिमेंट है उनका जो समेशन है वही क्या होगा, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो इनके प्रिंसिपल एलिमेंट का समेशन कितना होगा, 3 - 3 + 1 = 1, तो देन इसका फर्स्ट ऑप्शन आपको फिल करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, क्वेश्चन नंबर 10th में आपको मेंशन है एन इक्विलेटर ट्राइंगल हैज ईच ऑफ इट्स साइड लेंथ 4 यूनिट, एक इक्विलेटर ट्राइंगल है जिसकी साइड लेंथ आपको 4 गिवन है, इफ एक्स आर कॉमा वाई आर आर 1 2 3, आर इट्स वर्टेक्स एज, मतलब एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई थ्री, एक्स थ्री वाई थ्री, ये आपके ट्राइंगल के वर्टेक्स एज है, देन दी वैल्यू ऑफ दिस पार्ट। तो अब देखो ये थोड़ा इसको ढंग से केयरफुली समझो क्वेश्चन को, अपन को पता है कि किसी भी किसी के स्क्वायर, अपन इक्विलेटर ट्राइंगल की बात कर सकते हैं, इक्विलेटर ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना होता है, रूट 3/4 साइड स्क्वायर, साइड का मतलब 4 स्क्वायर = 16, ये तो फॉर्मूला अपन को रिमेंबर दिस। और अगर ट्राइंगल के वर्टेक्स गिवन है तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन, और ये कितना आ गया, 4 √3 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया अल्टीमेटली 8 √3, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, 8 √3, इसने इस पे स्क्वायर लगा रखा है, तो इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 8 का स्क्वायर 64 * 3 = 192, यस सर, तो देन इसका फर्स्ट ऑप्शन आपको फिल करना है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11th क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 11th में क्या बोल गया, इट्स ए गुड क्वेश्चन, थोड़ा समझने की ट्राई करें, इसमें कुछ भी लिखना नहीं है, ओनली इसको विजुलाइज करना अपन को, लेट d1 d2 d3 .. dn विद द सेट ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स दैट कैन बी मेड विद द डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर्स a1 a2 a3 a9 देन, इसका मीनिंग ये है, आपको a1 a2 a3 a9 टोटल ये 9 एलिमेंट है, सारे के सारे एलिमेंट के डिस्टिंक्ट नॉन जीरो है, इन नॉन जीरो डिस्टिंक्ट एलिमेंट से, टोटल 9 एलिमेंट से सारे डिस्टिंक्ट है, जैसे 1 2 3 4 5 6 8 9 ऐसे बोला है, इनकी हेल्प से आपको क्या बनानी है, डिटरमिनेंट्स, और ईच डिटरमिनेंट्स में एक एलिमेंट को फिल करना मस्ट है, पढ़ो, विद द सेट ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट दैट कैन बी मेड विद द डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डीए नंबर, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो नंबर से फिल करना है, तो बताओ उनके सिग्मा आई इक्वल टू वन से डी आई इक्वल टू की वैल्यू क्या होगी, मतलब जितनी भी डिटरमिनेंट्स बनेगी उन सब डिटरमिनेंट का समेशन क्या होगा, तो उसको केयरफुली समझना कैसे करना क्वेश्चन को, आप कोई भी आप डी आई मैट्रिक्स डिटरमिनेंट लेट कर सकते हो, इसके ईच एलिमेंट डिफरेंट है, a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 एंड a9। अब आप ये देखो होगा क्या, ऐसी काफी सारी डिटरमिनेंट बनेंगी, भाई फर्स्ट एलिमेंट को बनने के 9 ऑप्शन, इसके भी 9, मतलब 9 की पावर 9, टोटल डिटरमिनेंट कितनी फॉर्म होंगी, 9 की पावर 9 डिटरमिनेंट्स फॉर्म होंगी, तो पूछा गया नहीं सबका समेशन क्या होगा, तो थोड़ा समझने की ट्राई करो, सिमेट्रिसिटी से क्या बोल सकते हैं, जैसे एक पोजीशन पे, जैसे d1 मान ली इसको, फर्स्ट पोजीशन पे ये डिटरमिनेंट है, तो चलो उसकी कुछ वैल्यू होगी, फिर आप क्या करोगे, एक बार
आर वन आर टू को इंटरचेंज कर दो, तो मतलब काफी सारी डिटरमिनेंट है इसमें। अल्टीमेटली इसमें ऐसे समझो, ये जो डिटरमिनेंट है इसको जब आप ओपन करोगे तो इसमें थ्री टर्म्स तो पॉजिटिव में आती है, थ्री टर्म्स नेगेटिव में आती है। डी वन की बात की है, जब आप डी टू में बात करोगे तो थ्री टर्म पॉजिटिव होंगी कोई भी तीन, और बाकी तीन नेगेटिव होंगी। तो आप खुद समझ सकते हो कि जब टोटल जब डिटरमिनेंट बनाओगे तो उसमें क्या होगा, जो 50% पार्ट है वो तो पॉजिटिव में होगा और 50% पार्ट क्या होगा, नेगेटिव में। और हर एलिमेंट की पोजीशन एक बार तो पॉजिटिव के साथ होगी और एक बार नेगेटिव के साथ। तो देन जो टोटल डिटरमिनेंट्स होंगी उन सबका समेशन बेटा क्या बन जाएगा, जीरो। तो देन इसका आपको जीरो आंसर फिल करना है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अगर ये टफ लग रहा है तो आप एक काम करो, 2x2 की डिटरमिनेंट ऐड कर दो, जैसे ये इसको 1, 2, 3 फोल से फिल करना है, तो टोटल क्या होंगी, 4 की पावर 4, 64 डिटरमिनेंट बनेगी इसमें भी। तो कर सकते हैं बट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को ट्राई करना है अपन को। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ 2x2 डिटरमिनेंट। क्या बोला गया है कि 2x2 की डिटरमिनेंट से है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ 2x2 डिटरमिनेंट, डिस्टिंक्ट वैल्यूज की 2x2 की कितनी डिटरमिनेंट हो सकती है, हुज एंट्रीज आर फॉर्म दी सेट ऑफ -1, 0 एंड 1। आपको करना क्या है, 2x2 की डिटरमिनेंट बनानी है ए बी सी डी। क्या करनी है, 2x2 की डिटरमिनेंट फॉर्म करनी विद दी हेल्प ऑफ -1, 0 एंड 1। तो ये बोला गया कि बताओ जब आप -1, 0, 1 की हेल्प से डिटरमिनेंट फॉर्म करोगे तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज की, सिंपल सी बात, आपने कुछ वैल्यू फुल की तो डेल्टा की वैल्यू अचीव होगी, फिर अगेन कुछ अचीव होगी, तो बताओ डेल्टा की डिफरेंट कितनी कितनी वैल्यू, कितनी डिफरेंट वैल्यू अचीव हो सकती है। तो देखो ऐसे समझो इसको, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ 2x2 डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो टोटल कितनी डिटरमिनेंट हो सकती है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ सकती है। तो देखो डेल्टा कितना आ गया, ए बी माइनस सी डी। अब आप एक बात को सोचो, जब -1, 0, 1 से फिल करना है तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है 1, 0, -1 से लेना है, ये वन आ जाए, ये वन आ जाए, तो उनका डिफरेंस जीरो आ सकता है। इसको ले लो 1, 1 ले लो, इसको 1, 1 ले लो, या -1, -1 जो भी है, ये वन लो, इसको जीरो लो, तो वैल्यू वन हो सकती है, क्योंकि 0, 1, -1 से फिल करना है। इसको जीरो लो, इसको वन लो, तो वैल्यू -1 आ सकती है, यस सर। फिर क्या करो आप, ए और बी दोनों को +1 लो या -1, तो ये तो 1 आ गया, इसमें किसी एक को +1 लो, किसी एक को -1, तो ये -1 हो सकती है, तो ये -2 हो सकता है, और एक और उल्टा -1, -1 मतलब +1, तो ये समेशन -2 हो सकता है, सॉरी ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों को 1 लो, हो सकता है दोनों 0 हो, वो तो ऑलरेडी केस 0 वाला आ चुका है अपने पास, ठीक है ना। तो सम डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, -1, +2 एंड -2, तो टोटल 5 डिफरेंट वैल्यूज की डिटरमिनेंट फॉर्म हो सकती है, जिनकी वैल्यूज क्या होगी डिफरेंट, तो 5 डिफरेंट वैल्यूज अचीव हो सकती है 0, 1, -1, +-2। तो देन इसके अकॉर्डिंग इसका थर्ड ऑप्शन आपको फिल करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर 3 है, शो दैट सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो इज 1, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच रो, किसी भी एक रो, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच रो के जो एलिमेंट है उनका सम क्या बोला गया, 1 बोला गया। देन द सम ऑफ एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट, देन द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वायर, तो बताओ जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट का सम क्या होगा, एलिमेंट का सबका सम बताना, 9 एलिमेंट का। तो चलो एक काम करो, एक मैट्रिक्स लेट करो आप ए 3x3 की, इसको मान लेते हैं ए बी सी, इसको मान लेते हैं एक्स वाई जेड, कुछ भी लेट कर दो, नो प्रॉब्लम, पी क्यू आर। तो क्या बोला गया है, शो दैट सम ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच रो इज 1, जो मैट्रिक्स ए है इसकी ईच रो का सम बने, मतलब ए प्लस बी प्लस सी भी 1 के बने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी 1 के बने, और पी प्लस क्यू प्लस आर भी आपको 1 के बने। इसको तो कर दो पहले साइड में, याद रखना माइंड में। अब क्या करना है, ए स्क्वायर की जो एलिमेंट होंगे सबका सम बताना है,
तो ए इसको लाने के लिए क्या करोगे, इसी को अगेन दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ गया, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। तो चलो लिखते हैं, तो ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स है वो क्या अचीव होगी, देखो बेटा थोड़ी लेंथी होगी, रो वाई कॉलम, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पी, दिस पार्ट को दिस पार्ट से करो तो ए बी प्लस बी वाई, थोड़ा केयरफुली करें, प्लस सी क्यू, और एक और लिखते हैं फिर बाकी काम बाद में, ए सी बी जेड सी आर, ए सी बी जेड और सी आर, ऐसी सेकेंड और ऐसी थर्ड लिखेंगे। फिर क्या पूछेगा, इन सारे एलिमेंट का समेशन क्या रहा होगा, तो क्या करो, एक बार अपन जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है इसके आर वन रो का समेशन चेक करते हैं, इन सब तीनों एलिमेंट को जोड़ते हैं। तो जब आप इन थ्री एलिमेंट्स को ऐड करोगे, तो देखो ऐसे ऐड करो, इन तीनों को ऐड करना एक बार, तो होगा क्या, कैसे किया मैंने, इनके फर्स्ट एलिमेंट में ए कॉमन लिया, जैसे ही आप ए कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। फिर क्या करो, इनके सेकेंड एलिमेंट में बी कॉमन लो, तो इनमें बी कॉमन लोगे तो क्या आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और सिमिलरली तीनों में सी कॉमन लोगे तो क्या आ गया, पी प्लस क्यू प्लस आर। तो हुआ क्या, इसकी वैल्यू वन है, मैट्रिक्स ए के ईच रो के एलिमेंट का सम वन है, तो ये सम वन, ये भी वन, ये भी वन, तो ये तीनों वन वन है, तो अगेन क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसकी वैल्यू क्या मिली, वन। मतलब ये जो ए स्क्वायर की आर वन रो है इसके एलिमेंट का सम कितना आ गया, वन। सिमिलरली जब आप ये लिखोगे तो उसमें भी सेम थीम बनेगी, उसमें पहले बी कॉमन आएगा, फिर सी कॉमन, फिर दोबारा ए कॉमन, तो उसका भी सम वन, और थर्ड में भी सिमिलरली से क्या होगा, वन कॉमन। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, फर्स्ट रो का सम वन, सेकेंड रो का सम वन, थर्ड का सम वन, तो सबका सम कितना जाएगा, थ्री आंसर। तो देन इसका सेकेंड ऑप्शन आपको फिल करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन डिटरमिनेंट डेल्टा इज, ए बी सी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बताओ ये डेल्टा क्या होगा, ए नॉन जीरो रियल नंबर, प्योरली इमेजिनरी, ए जीरो मतलब इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी कांट से। तो देखो क्या करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बात थोड़ा समझे ध्यान रखें, जब भी डिटरमिनेंट गिवन हो आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में, अगर आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करो, जैसे एक ऐसे समझ लेते हैं, एक 2x2 की मैंने डिटरमिनेंट लेट की ए बी सी डी, और ये मान लो कि ए बी सी डी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सिंप्लीफाई करने पे डेल्टा क्या आ गया, ए डी माइनस बी सी, और अब मैंने बोला इसका कॉन्जुगेट लोगो डिटरमिनेंट का, तो क्या होगा डेल्टा बार, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है तो क्या करोगे, उस पर बार लगा दो, तो ए बार डी बार बी बार सी बार आ गया। ये आपने क्या किया, पहले डिटरमिनेंट को सोल्व किया, फिर उसका क्या लिया कॉन्जुगेट, अब सीधी प्रॉपर्टी बोल सकते हो और पता भी होना चाहिए, आप डायरेक्ट इसका जब बार लोगे तो क्या करो, आप ईच एलिमेंट पे बार लगा के फिर करो अपन डिटरमिनेंट, तो सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। इसी पार्ट को अपन इसमें अप्लाई करने की ट्राई करते हैं, तो देखो दो लाइन में आंसर है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, इसका ले लिया कॉन्जुगेट, तो डेल्टा बार क्या होगा, जीरो का बार जीरो माइनस बी बार माइनस सी, केवल बार लगाना है बस, कॉन्जुगेट बी बार का बार बी, जीरो माइनस ए बार सी बार, सॉरी सी बार का सी आ गया, ए बार का ए आ गया, और जीरो आ गया। अब देखो केयरफुली देखो डेल्टा बार और डेल्टा में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करो, आप रो को कॉलम से क्या कर दो इंटरचेंज, जब भी ईच रो और ईच कॉलम को क्या करोगे इंटरचेंज, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, अनचेंज्ड। तो सिंपल क्या आ गया, डेल्टा वार इक्वल टू, क्योंकि अपन उसको डेल्टा की फॉर्मेट में लाने की ट्राई करते, तो जीरो माइनस बी बार माइनस सी बार, बी जीरो माइनस ए बार, दिस इज सी ए जीरो। अब देखो ढंग से, ये जो बी बार सी बार ए बार है उनके आगे प्लस है इसमें, और बी सी ए के आगे माइनस है, तो क्या करो माइनस कॉमन ले लो, जैसे ही अपन माइनस कॉमन लेंगे, अपन को पता है डिटरमिनेंट के अंदर जब माइनस कॉमन लेते तो सारे एलिमेंट में से माइनस कॉमन लोगे, तो ईच एलिमेंट में से जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, जीरो बी बार सी बार ए बार माइनस बी माइनस सी माइनस ए जीरो, तो किसके इक्विवेलेंट आ गया, डेल्टा के इक्विवेलेंट। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, डेल्टा प्लस डेल्टा बार इक्वल टू जीरो। अब देखो एक काम करो, डेल्टा को लेट करो एक्स प्लस आयोटा वाई, तो कितना आ गया, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस
एक्स माइनस आईटा वाई जीरो, तो आईटा वाई कैंसिल, तो एक्स कितना आ गया जीरो, एक्स जीरो आ गया। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर डेल्टा है वो आपका प्योरली क्या होगा, इमेजिनरी। तो देन इसका सेकेंड ऑप्शन आपको फिल करना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 इज, ए एंड बी सॉरी ए एंड पी आर डिफरेंट मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर एन। ए और पी आपकी डिफरेंट मैट्रिसेज हैं ऑफ ऑर्डर एन, जिनका ऑर्डर एन है। क्योंकि ऑर्डर एन इसलिए लिया गया है कि दो मैट्रिक्स को अगर आपको सबट्रैक्ट करना है या ऐड करना है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो पहली मेंशन है ए क्यूब पी क्यूब के इक्वल है और ए स्क्वायर पी पी स्क्वायर के इक्वल है और ए माइनस पी का जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो मानना है। तो बताओ ए स्क्वायर पी स्क्वायर की वैल्यू का डिटरमिनेंट क्या होगा। और अच्छा पार्ट है समझे, देखो आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के डिटरमिनेंट की। और बेटा a माइनस पी का डिटरमिनेंट आपको नॉन जीरो दिया गया, तो आप एक काम करो जिसकी वैल्यू पूछी गई उस मैट्रिक्स को लिखो और जिसकी वैल्यू नॉन जीरो गिवन है या जिसकी वैल्यू गिवन है उसका मल्टीप्लाई करके देखो एक बार, एक अलग ही वैरायटी का पार्ट है, इसको आना चाहिए, ये रेगुलर क्वेश्चन नहीं है। क्या किया मैंने, जिस डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए उसकी मैट्रिक्स और जो गिवन है उसकी मैट्रिक्स, इनका करो मल्टीप्लाई, तो सीधा मेंशन होगा। तो क्या गया ए स्क्वायर ए ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर पी पी मल्टीप्लाई करोगे प्लस पी स्क्वायर और माइनस पी ऑफ क्यूब। तो देखो ए क्यूब इक्वल टू पी क्यूब गिवन है तो इससे कैंसिल, और बेटा पी स्क्वायर इक्वल टू गिवन है ए स्क्वायर पी, तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल। अल्टीमेटली क्या होगा, इन दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई है वो जीरो आ गया। तो ये पता है अपन को कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर जीरो है तो वो दोनों मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स हो सकती है, ध्यान रखना। अब अपन को तो क्या लेना है, दोनों का डिटरमिनेंट। जब अपन दोनों पे क्या लगाएंगे डिटरमिनेंट, तो जीरो का डिटरमिनेंट तो जीरो आ गया, और अपन इन दोनों पे क्या लगा सकते हैं सेपरेट डिटरमिनेंट, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों एन क्रॉस ऑर्डर की, एन क्रॉस एन की, तो दोनों पे अपन डिटरमिनेंट सेपरेट लगा सकते हैं। तो ए माइनस पी इंटू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो दिस जीरो और दिस जीरो, तो ये तो क्वेश्चन में क्या बोलेगी नॉन जीरो, इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा जीरो। तो ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का जो डिटरमिनेंट है वो ऑलवेज क्या होगा बोलो जीरो। तो देन इसका थर्ड ऑप्शन आपको फिल करना है। उसके बाद देखो 16 क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, मतलब आपको ए की नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस प्रोसेस नो सोल्यूशन। ये टू वेरिएबल की आपको नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है तो नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या है, तो वो सेम प्रोसीजर। सबसे पहले क्या करोगे, डेल्टा का मतलब एक्स वाई के कोफिशिएंट से बनने वाली डिटरमिनेंट, तो क्या होगा ए स्क्वायर टू माइनस ए, इससे आ गया ए और ये आ जाएगा ये डेल्टा आ गया। तो सबसे पहले देख काम करो डेल्टा की वैल्यू चेक करते हैं, तो डेल्टा क्या होगा ए स्क्वायर इंटू टू ए माइनस वन माइनस ए ऑफ टू माइनस ए, यस सर ए कॉमन आ गया, ए कॉमन लोगे तो रिमेनिंग पार्ट इज ए इंटू टू ए, टू ए स्क्वायर माइनस ए माइनस टू प्लस ऑफ ए, यस सर ए कैंसिल टू कॉमन, तो क्या आ गया टू ऑफ ए ब्रैकेट में आ गया ए स्क्वायर माइनस वन, ये आ गया डेल्टा। प्रोसेस नो सॉल्यूशन। तो देखो टू लीनियर सिस्टम हो या थ्री लीनियर सिस्टम, अगर प्रोसेस नो सॉल्यूशन हो तो क्या करते हैं कंडीशन, डेल्टा तो जीरो होना चाहिए और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई में एटलीस्ट वन ऑफ द नॉन जीरो, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई में क्या लिखोगे एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या होती है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, और y की वैल्यू क्या होगी डेल्टा वाई अपन वाई। तो अगर डेल्टा जीरो है और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई में एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, तो नॉन जीरो अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट, तो वैल्यू क्या होगी नो सॉल्यूशन आंसर बोला जाएगा। तो देखो डेल्टा को जीरो करने पे क्या होगा, a आपका आ गया जीरो वन एंड माइनस वन। अब आपको डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई चेक करने, तो एक काम करो
सबसे पहले डेल्टा एक्स ही देख लेते अपन। तो डेल्टा एक्स क्या होगा ध्यान दो, डेल्टा एक्स के लिए क्या करते हैं एक्स के कोफिशियंट को कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर दो, तो क्या आ गया 4 + a² 2 - a और ये आ गया a की पावर 5 - 2 और दिस इज 2a - 1। इसमें होगा क्या बेसिकली, जब आप इसमें a की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो डेल्टा एक्स कितना जाएगा 4, 2 - 2 एंड -1। तो बेटा जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक करोगे, तो इससे डेल्टा एक्स क्या रहा है 0 आ रहा है, डेल्टा एक्स क्या रहा है 0। तो डेल्टा एक्स तो 0 आ गया, सॉरी -4 + 4, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई में से एक क्या आना चाहिए नॉन जीरो। तो चलो डेल्टा एक्स तो 0 आ गया, नो प्रॉब्लम। अब एक बार चेक करोगे इसका डेल्टा वाई, मतलब डेल्टा एक्स 0 आ गया, तो a को 0 लेने पे सिंपल सी बात ये है कि आप एक बार डेल्टा एक्स लिख लो और एक बार डेल्टा वाई, a को 0 दोनों में पुट करो, डेल्टा एक्स में पुट करोगे और डेल्टा वाई में, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई में a को 0 पुट करने पे कोई भी एक नॉन जीरो आ गया तो फिर तो बोलोगे प्रोसेस नो सॉल्यूशन, अदरवाइज दोनों 0 हैं तो प्रोसेस इज सॉल्यूशन, तो उसको लेट मत करना। तो अल्टीमेटली इसमें होगा क्या, जब a को 1 या -1 लोगे, क्योंकि a को जैसे 1 लेते हो तो 5 आ गए, 5, 2 - 1 एंड 1। तो देखो इसका डिटरमिनेंट क्या रहा नॉन जीरो, तो 1 और -1 पे डेल्टा एक्स आपका नॉन जीरो है, इसका मीनिंग एटलीस्ट 1 इज नॉन जीरो, एक नॉन जीरो आ गया दूसरा चाहे कुछ भी हो तो इसका मतलब प्रोसेस है नॉन सॉल्यूशन। तो a को +-1 लेने पे क्या होगा प्रोसेस नो सॉल्यूशन, तो देन आपको a की टोटल वैल्यूज क्या फिल करनी है 2 आंसर नॉट 3, तो देन इसका थर्ड ऑप्शन फिल होगा। उसके बाद देखो 17 क्वेश्चन क्या है, इफ a एंड b आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है जिनका डिटरमिनेंट ऑफ a क्या हो नॉन जीरो, तो क्या लिखना है मतलब अल्टीमेटली गिवन डिटरमिनेंट ऑफ a नॉन जीरो कॉमा ये दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ये आपको पता होगा नॉन सिंगुलर का मीनिंग आ गया जिसका डिटरमिनेंट क्या हो नॉन जीरो, और जिन डिटरमिनेंट का जिन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो नॉन जीरो उनका अपन क्या कर सकते हैं इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में देखो इनवर्स की बात की है, तो इसलिए लिखना मस्ट है इसको। एंड बोथ आर सिमेट्रिक एंड कम्यूट ईच अदर, इसका मीनिंग क्या है कि जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये क्या है सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो इससे आगे ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड बी इक्वल टू ऑल्सो बी ट्रांसपोज, तो बताओ। और कम्यूटेटिव का मतलब ए बी इक्वल टू बी ए, ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं कम्यूट मैट्रिक्स। तो आपको 4 ऑप्शंस गिवन है और ईच 4 ऑप्शन में आपको ए इनवर्स बी और ए इनवर्स बी इनवर्स की सिमेट्रिसिटी चेक करनी है कि कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक से कौन सी इसकी सिमेट्रिक्स है। तो एक काम करो जैसे अपन ए इनवर्स बी की बात करते हैं तो इसको वाई लेट कर देते हैं, मैंने लेट किया कि वाई इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब इस वाई इक्वल टू ए इनवर्स बी को आपको प्रूव करना है कि इट्स ए सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक, तो क्या करें इसका ट्रांसपोज लोगे, क्योंकि वाई इक्वल टू वाई ट्रांसपोज आ गया इसका मतलब कैसी मैट्रिक्स होगी सिमेट्रिक, तो ट्रांसपोज का मतलब ये अपन ने पढ़ा हुआ है ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, उल्टा कर देते हैं तो क्या जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब एक प्रॉपर्टी है वो आपको पता होनी चाहिए, पहली बात तो बी ट्रांसपोज को बी ले सकते हैं और अपन इनवर्स को ट्रांसपोज के साथ क्या कर सकते हैं इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ए ट्रांसपोज का मतलब ए, तो क्या गया बी इंटू ए इनवर्स। यस सर, इतना आने के बाद देखो क्या किया मैंने, बी इंटू ए इनवर्स इसको अपन लिख सकते हैं क्योंकि ए बी इक्वल टू बी ए गिवन है, क्या गिवन है ए बी इक्वल टू बी, तो काम करो ना बी इंटू ए इनवर्स चाहिए तो उसको ए इनवर्स से क्या कर दो पोस्ट मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी आ गया, क्या आ गया बोलो, इसको मैंने ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो ए बी ए इनवर्स इक्वल टू आ गया बी, आपको बी ए इनवर्स चाहिए। ये करने के बाद अब इसको क्या करो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, दोबारा ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा ए इंटू ए इनवर्स ए हो गया, तो ये कितना आ गया बी ए इनवर्स इक्वल टू आ गया ए बी, सॉरी ए इनवर्स बी, ये लो इसको ए से ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करोगे तो ए
इनवर्स ए आई हटाओ, बी इनवर्स इक्वल टू दिस, मतलब इसको आप लिख सकते हो ए इनवर्स बी, तो कितना आ गया वाई आ गया, तो वाई इक्वल टू वाई ट्रांसपोज, तो ये कैसी मैट्रिक्स है बोलो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस वे में अपन इसको ट्राई कर सकते हैं और तो बस ठीक है। आफ्टर दैट सेकंड में क्या करना है, इसको भी वायलेट करो, सेकंड मैट्रिक्स क्या है ए इनवर्स बी इनवर्स, तो सीधी सीधी बात यही देख लो ना, इसका ट्रांसपोज लेना है तो क्या जाएगा, बी इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज, और उसके बाद अपन ट्रांसपोज और इनवर्स को क्या कर सकते हैं इंटरचेंज, तो क्या जाएगा बी ट्रांसपोज का इनवर्स, और बी ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होगा बी इनवर्स, ऐसे ही ए ट्रांसपोज का मतलब ए का इनवर्स, और ए बी इनवर्स ए इनवर्स को लिख सकते हैं ए बी का होल इनवर्स, यस सर। और बेटा ए बी का मतलब होगा बी ए, क्योंकि कम्यूटेटिव मैट्रिक्स है, और दोबारा इनवर्स हटाओगे तो क्या गया ए इनवर्स बी इनवर्स, इसका मीनिंग ये भी आपका क्या गया वाई टी इक्वल टू वाई, तो ये भी क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक है, तो देन इसका आपको फर्स्ट ऑप्शन फिल करना बेटा। देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इफ पी कोमा क्यू कोमा आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर आपके ट्राइंगल के एंगल हैं, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस पार्ट, तो बताओ इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो चलो एक काम करो उस डिटरमिनेंट को ओपन कर दे सीधा बाकी बाद में, तो कितना जाएगा टेन पी ब्रैकेट में टेन क्यू टेन आर माइनस वन, फिर वन के अकॉर्डिंग माइनस वन आ गया, इस रो कॉलम को हटाओ तो कितना आ गया टेन आर माइनस वन, और लास्ट में प्लस वन के अकॉर्डिंग क्या जाएगा वन माइनस के टेन ऑफ क्यू, तो देखो अल्टीमेटली कितना आ गया, ये तो आ गया तीनों का मल्टीप्लाई मतलब पाई टेन पी, ये पता होना चाहिए पाई का मतलब टेन पी टेन क्यू टेन आर, माइनस के क्या आ गया टेन पी माइनस के टेन आर माइनस के टेन क्यू, तो कॉमन ले लो माइनस, तो क्या आ गया टेन पी प्लस टेन क्यू प्लस टेन आर, और बचा कितना माइनस वन माइनस प्लस वन, और ये प्लस वन इज टू। अब ध्यान दो ये आपको प्रॉपर्टी पता होगी, अगर एबीसी ट्रायंगल के एंगल है या पी क्यू आर ट्रायंगल के एंगल है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है कि एबीसी अगर एंगल ऑफ ट्रायंगल देन टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल टू तीनों का मल्टीप्लाई टेन ए टेन बी टेन सी, तो लिख सकते हैं टेन पी प्लस टेन क्यू प्लस टेन आर इक्वल टू तीनों का मल्टीप्लाई, तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो इसका क्या आंसर आएगा टू, तो इसके अकॉर्डिंग इसका सेकंड ऑप्शन आपको फिल करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना है, लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट नो टू ऑफ देम आर इक्वल, कोई भी दो इक्वल नहीं है, सेटिस्फाई दिस कंडीशन देन द इक्वेशन दिस पार्ट हैज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये दे, आपको एक इक्वेशन गिवन है, दिस इक्वेशन हैज इसके रूट्स लाइज विच इंटरवेल एटलीस्ट वन रूट इन दिस पार्ट, तो जब भी आपसे एटलीस्ट वन रूट की बात करे तो मोस्टली अपन क्वेश्चन में क्या करते हैं वी कैन यूज रोल्स थ्योरम, और रोल्स थ्योरम में क्या याद करना है कि जिस इक्वेशन के रूट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, जिसके रूट्स का नेचर चेक करना है, एटलीस्ट रूट की बात करनी है, उसको लेट करते हैं अपन एफ डेस एक्स, ध्यान रखें रोल्स थ्योरम अप्लाई तो करते हैं बेटा एफ एक्स पे, बट रूट्स की इंफॉर्मेशन मिलती है एफ डेस एक्स की, पढ़ते हैं अपन कि लेट एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड डिफरेंशियबल एंड एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन रूट इन एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, इसका मीनिंग क्या है कि रोल्स थ्योरम अप्लाई तो करोगे एफ एक्स पे, बट रूट्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है एफ डैश एक्स के लिए, तो आपको दिस इक्वेशन के रूट्स की क्या चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो इसको तो अपन क्या लेट करेंगे बोलो एफ डैश एक्स, बट उससे पहले क्या करते हैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देते हैं, तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया 2a b माइनस सी माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac, आफ्टर दैट एक बार दोबारा देखो गलत कर दिए सॉरी 2a इंटू दिस इंटू दिस, तो यह होगा बी सी माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है माइनस के बी सी टू और आर वन रूट हटाओ तो क्या गया
बी स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस सी इंटू टू ए बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो देखो सिंप्लीफाई करने पे क्या जाएगा, इससे आ जाएगा आपका टू ए बी सी माइनस माइनस प्लस टू ए बी सी और टू ए बी सी, तो ये तो आ गया सिक्स ए बी सी इक्वल टू नेक्स्ट इज एट माइनस के एट ए स्क्वायर माइनस के बी क्यूब और माइनस के सी क्यूब। तो सबको राइट में लेके चले जाओ, तो इट इज एट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब देखो ये जो रिलेशन है इसको केयरफुली देखो आप, ये क्या है, ये अपन को इसको ऐसे लिखते हैं एक बार समझने के लिए, इसको लिखो टू ए का होल क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इक्वल टू थ्री इंटू सिक्स को लिखा थ्री इंटू टू ए डॉट बी इंटू सी, तो ये आपको आना चाहिए। इसको अगर आप ए लेट करो, इसको बी लेट करो और इसको सी लेट करो, तो क्या बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी। और ये आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रिमेंबर दिस कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर थ्री ए बी सी है तो इसके दो आंसर्स होंगे, एक तो क्या लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, टू ऑप्शन हो सकते हैं। तो एक तो क्या जाएगा ए प्लस बी प्लस सी जीरो मतलब टू ए प्लस बी प्लस सी जीरो, और एक क्या होगा टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। वट टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी में बी और सी इक्वल हैं, बट क्वेश्चन ने ऑलरेडी मेंशन किया है नो टू ऑफ देम आर इक्वल, तो बी और सी अन इक्वल होंगे, तो इसका ए की रिजल्ट नेट करना है टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तीनों का सम जीरो होगा। तो इससे आ गया ए बी सी में रिलेशन, तो इसको लिख लेते हैं साइड में कि टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब देखो कैसे करना है, अब अपन क्या करते हैं जो अपनी इक्वेशन है इसको लेट करेंगे अपन एफ डेस एक्स, तो एफ डेस एक्स इक्वल टू लेट करोगे दिस इज 24 ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 बी एक्स प्लस सी। इसका क्या करोगे बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो क्या होगा एफ एक्स इक्वल टू 8 ए एक्स क्यूब प्लस एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, तो टू कैंसिल हो जाएगा 4 में से, तो दिस इज 2 बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखो ये एफ एक्स फंक्शन है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब क्या करो ऑप्शन से देखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप एक्स को जीरो पुट करो, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है डी। सिमिलरली जब आप एफ को 1/2 पुट करोगे बेटा, तो एफ ऑफ 1/2 क्या होगा ए क्यूब ए आ गया प्लस बी वाई टू होगा और ये आ जाएगा सी वाई टू प्लस डी। ध्यान दो जैसे आप इसका 2LC मिलोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म में 2LC मिलो, तो क्या आ गया 2a प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, तो बेटा 2a प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो ये भी कितना आ गया डी आ गया, मतलब अल्टीमेटली एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ हाफ है। तो देखो एफ एक्स आपका कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू एफ ऑफ हाफ के इक्वल है, तो वी कैन यूज रॉस थ्योरम, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोलोगे एफ डेस एक्स हैज एटलीस्ट 1√0 से 1/2, तो इसका मीनिंग होगा दिस इक्वेशन का 100% जीरो से हाफ में एटलीस्ट 1 रूट प्रेजेंट होगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस पार्ट इक्वल टू 11 इज, आपको ये इक्वेशन गिवन है, इसमें इक्वेशन के पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इस गिवन डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, तो उसको केयरफुली देखो कैसे सॉल्व करना चाहिए। अपन ट्राई करते हैं कि किसी भी रो और कॉलम के एलिमेंट्स को 1-1 में लाने की, क्योंकि अपन को पता है कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स डिटरमिनेंट को सॉल्व करना हो तो एक तो बेटर ऑप्शन क्या है कि आप किसी भी 1 रो या 1 कॉलम के एलिमेंट्स को 1 लेके आओ और अपन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो 2 एलिमेंट 0 तो थर्ड के अलोंग अपन उसको क्या कर देते हैं एक्सपेंड। तो क्या किए इसके लिए, एक बार आप दिस R1 रो को तो x से मल्टीप्लाई करो, इसको y से करो और इसको z से, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। तो जैसे ही आप फर्स्ट R1 को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया x की पावर 4 प्लस एक्स, अगला एक्स क्यूब वाई और दिस इज एक्स क्यूब जेड। अभी देखना बहुत सिंपल होने वाला है, ये दिस पार्ट इज 11 एज इट इज, इसको y से किया तो x y cube y 4 plus y this is y cube z
और इसको जेड से करोगे तो क्या आ गया, एक्स ऑफ जेड क्यूब वाई ऑफ जेड क्यूब और दिस इज जेड की पावर 4+z। अब डिटरमिनेंट को आपने एक्स बाई जेड से मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंसिंग के लिए इसको डिवाइड भी करोगे, ये लो भी डिवाइड कर दिया। ये लिखने के बाद अब अगेन देखो, अब अपन क्या करेंगे, सी वन कॉलम से तो एक्स को मान लो, उल्टा सी टू कॉलम से वाई और सी थ्री से जेड। देखो इन सब में से एक्स कॉमन लोगे तो एक्स कैंसिल, इन सब में से वाई कॉमन लोगे तो वाई कैंसिल और सी थ्री कॉलम से जेड कॉमन लोगे तो अगेन जेड कैंसिल। तो रिमेनिंग पार्ट इज एक्स कॉमन लेने पे क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वन वाई क्यूब दिस इज जेड क्यूब। यस सर, दिस इज एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वन दिस इज जेड क्यूब और लास्ट इज एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब प्लस वन। ये लो दिस पार्ट में कन्वर्ट करने के बाद अब देखो कैसे करते हैं, इन दोनों में एक्स क्यूब कॉमन, इन दोनों में एक्स क्यूब सेम है, इनमें वाई क्यूब, इसमें वाई क्यूब और आर थ्री में जेड क्यूब। तो क्या करें, अपन इसमें ऑपरेशंस अप्लाई कर देते हैं। तो आप लिखोगे कि सी वन इज रिप्लेस वाई सी वन माइनस सी टू एंड सी टू अब रिप्लेस वाई सी टू माइनस सी थ्री। तो देन वी विल गेट डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, इसमें से इसको माइनस करने पे वन आ गया, नेक्स्ट में माइनस वन और ये कितना आ गया जीरो। देखो सिंपल हो गया ना, सेकंड में करोगे तो जीरो वन माइनस वन दिस इज एज इट इज एक्स क्यू वाई क्यू दिस इज जेड क्यू प्लस वन। अब क्या करें, किसी भी रो और कॉलम के अलोंग ओपन कर दो तो सिंपलेस्ट है। तो चलो वन के अलोंग दिस पार्ट माइनस दिस पार्ट, तो क्या आ गया जेड क्यू प्लस वन और माइनस माइनस प्लस वाई क्यू, जीरो के अलोंग तो जीरो को हटाओ प्लस एक्स क्यूब के अलोंग माइनस वन प्लस वन माइनस जीरो इक्वल टू इलेवन। तो अल्टीमेटली आ गया एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इक्वल टू टेन। अब एक्स वाई जेड आपके इंटीजर्स हैं और वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप खुद सोचो थ्री नंबर का क्यूब टेन लाना, तो इसको तो अपन हिडन डाल से कर सकते हैं। तो इसमें एक सिंपल सा ऑप्शन है, आप इनको वन वन ले लो, इसको टू ले लो, आ गया टेन, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। मिनिमम वन वन लोगे तो इसको मैक्सिमम टू ले सकते हैं। तो एक तो आ गया एक्स को वन वाई को वन इसको टू, फिर इनको अपन रीअरेंज कर सकते हैं, मतलब वन टू वन टू वन वन, तो टोटल इसके थ्री आंसर्स होंगे, ठीक है ना। एक बार तो इन दोनों को वन माना तो इसको टू मान सकते हो, या फिर ऐसे बोल दो वन वन टू को थ्री जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फैक्टोरियल थ्री अपॉन फैक्टोरियल टू, तो थ्री आंसर जाएगा इसका। तो देन आपको इसका सेकेंड ऑप्शन फिल करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, इट्स ए गुड क्वेश्चन। लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉमा ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, दी इक्वेशन एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो हैज इमेजिनरी रूट्स। ये जो इक्वेशन है आपको एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स बोले गए इमेजिनरी, एंड अल्फा बीटा गामा डेल्टा वी रूट्स ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो एफ एक्स माइनस एक्स भी क्वाड्रेटिक, तो इसके तो टू रूट होंगे, बट एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगी वाई क्वाड्रेटिक, तो इसके फोर रूट है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। देन दिस पार्ट इज ऑलवेज, और एक लाइन बोली गई वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, मतलब इसका मीनिंग ये है जितना मेरे को समझ में आता है कि जो वाई क्वाड्रेटिक है इसके रूट है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो 100% अल्फा बीटा को कॉन्जुगेट बोला गया है। इसका मीनिंग इस एफ ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स के दो रूट तो ऑलरेडी बोल दिए गए कि इमेजिनरी है, बाकी दो रूट कैसे होंगे अपन चेक करते हैं, ठीक है। और अल्फा बीटा को कॉन्जुगेट मानना है, तो करते हैं स्टार्ट। तो इसकी बाद में पहले अपन अल्फा बीटा गामा डेल्टा को चेक करते हैं कि विच रूट्स, टू रूट तो अल्फा बीटा गामा तो ऑलरेडी कैसे हैं कॉन्जुगेट टू ईच अदर, मतलब दोनों रूट इमेजिनरी है और कॉन्जुगेट टू ईच अदर है। तो पहले गामा और डेल्टा को चेक करो कि दीज टू रूट्स आर रियल और इमेजिनरी, तो ध्यान दें इसको लेट करो कि लेट ऑफ एच एक्स, इसको एक फंक्शन लेट किया एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स। अब आप केयरफुली सुनो, क्वेश्चन ने ऑलरेडी मेंशन किया गया कि एच एक्स एक क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट मान लो अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा मत लेट करो सॉरी, अपन ऑब वैसे ही समझ सकते हैं, इसके टू रूट्स हैं और क्वेश्चन ने ऑलरेडी मेंशन किया गया कि इसके टू रूट्स आर इमेजिनरी। तो आप ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एफ एक्स क्वाड्रेटिक है, पुट करोगे तो ये भी क्वाड्रेटिक है,
तो इस क्वाड्रेटिक में इसका कोफिशियंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, ए नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, या तो इसका डायग्राम अपवर्ड पैराबोला होगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला, व डज नॉट इंटरसेक्ट दी एक्स एक्सिस, क्योंकि दीज रूट्स आर इमेजिनरी। तो इसका मीनिंग क्या है, आप एक्स की वैल्यू कुछ ही पुट करो दिस पार्ट टू दिस पार्ट में, एच एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नॉन जीरो, नॉट जीरो। या तो इनपुट कुछ भी दो एच एक्स में, एक्स एच एक्स की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, इस बात को ध्यान रखना। अब ध्यान देते हैं अपन को दिस रूट्स, दिस इक्वेशन के रूट्स की कैची इंफॉर्मेशन, तो कैसे करते हैं इसके लिए क्या किया, ये जो एच एक्स इक्वेशन है इसमें मैंने एक बार एक्स को रिप्लेस किया एफ एक्स से, क्योंकि आपको एफ ऑफ एफ एक्स की बात करनी है। तो जब आप एक्स को एफ ऑफ एफ एक्स रिप्लेस करोगे बेटा, तो क्या होगा, एच ऑफ एफ एक्स, एच ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ एक्स। आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स चाहिए, इसको न्यू फंक्शन नेम दे देते जी एक्स, जी एक्स के रूट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो क्या किया, चलो एफ ऑफ एफ एक्स तो आ गया बट माइनस एक्स चाहिए, तो एक काम करो ना, आप इससे एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो एच एक्स प्लस एक्स, तो दिस इज लेट अगेन एच एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस एच एक्स प्लस एक्स है तो माइनस हो गए ये लोग, तो क्या आ गया एफ ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स, इस एच एक्स को लेफ्ट में ले आओ तो क्या बन गया एफ ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स, इसको तो क्या नेम दोगे जी एक्स, तो जी एक्स फंक्शन आ गया आपका एच ऑफ एफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स। अब केयरफुली सुनो, इतना आने के बाद जी एक्स जो फंक्शन है वाई क्वाड्रेटिक अपन को ऑलरेडी पता है। अब देखो सभी, इस जी एक्स के फोर रूट बोले गए अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा ऑलरेडी इमेजिनरी, ये कुछ भी हो नो प्रॉब्लम, जब आप इसमें किसी भी रूट को पुट करोगे तो ये एफ ऑफ अल्फा, ये एच ऑफ अल्फा। तो आप खुद समझो ना, जो एच एक्स इनपुट चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो, एफ एक्स का आउटपुट नेगेटिव पॉजिटिव चलो कुछ भी हो नो प्रॉब्लम, बट एच एक्स का आउटपुट तो या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव, या तो एच एक्स पॉजिटिव होगा, दोनों में या तो पॉजिटिव दोनों में नेगेटिव, क्योंकि एच एक्स की वैल्यू एक्स की ऑल वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगी और एच एक्स की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होगी। तो क्या मीनिंग है कि जो इसके जी एक्स की रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसमें से कोई भी रूट पुट करो, एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू समथिंग होगी, इसमें अल्फा लोगे तो एच ऑफ अल्फा भी पॉजिटिव, इसमें भी अल्फा पॉजिटिव, अल्फा पुट करने पे बीटा पे भी सेम, दो बॉट टर्म्स आर पॉजिटिव या बॉट टर्म्स आर नेगेटिव। अल्टीमेटली जब आप इसमें एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो जी ऑफ अल्फा, जी ऑफ एक्स वन की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू कुछ ही पुट करो तो इसके ऑल फोर रूट्स आर इमेजिनरी, और ये अपन को ऑलरेडी पता है कि जब किसी भी पॉलीनोमियल इक्वेशन के कोफिशिएंट अगर रियल हैं तो इमेजिनरी रूट्स आर इन ऑलवेज कॉन्जुगेट, तो अल्फा तो बीटा के साथ कॉन्जुगेट है ये ऑलरेडी मेंशन है, तो फिर गामा को डेल्टा के साथ कॉन्जुगेट लेट करना है, ये लिखना मस्त है, अदरवाइज आप किसी को किसी के साथ क्या ले सकते हो कॉन्जुगेट, तो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन। तो ऐसे लिखते हैं इसको अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो अल्फा को तो अल्फा रखो, जब अल्फा और बीटा कॉन्जुगेट है तो आप बीटा को लिख सकते हो बीटा अल्फा बार, अगर गामा को गामा रखोगे तो डेल्टा को लिख सकते हैं गामा बार, ये ध्यान रखें अल्फा बीटा कॉन्जुगेट है तो बीटा को लिख सकते हैं अल्फा बार और डेल्टा को गामा बार। इसको इसमें पुट कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा, इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट किया डेल्टा, तो क्या गया टू अल्फा इज इट इज, डेल्टा को लिखोगे गामा बार, यस सर, बीटा को लिखना अल्फा बार, जीरो अल्फा इज इट इज, गामा को इज इट इज, बीटा को अल्फा बार और वन को इज इट इज, डेल्टा आ गया। अब इसका लिखते हैं एक बार कॉन्जुगेट, तो इसका डेल्टा बार क्या होगा, टू इज इट इज अल्फा बार गामा अल्फा जीरो अल्फा बार गामा बार अल्फा वन। और देखो जब आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो शायद ये सेम आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है टू अल्फा गामा, टू अल्फा गामा बार, तो इसको लिख सकते हैं सीधा रो और कॉलम को इंटरचेंज, क्योंकि ईच रो और ईच कॉलम को इंटरचेंज करने पे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज, तो क्या गया टू अल्फा बार गामा अल्फा जीरो अल्फा बार गामा बार अल्फा वन गामा बार अल्फा एंड वन, तो क्या आ गया इससे डेल्टा इक्वल टू डेल्टा बार।
और डेल्टा इक्वल टू डेल्टा बार का मीनिंग, इसको अगर x प्लस आइटा वाई मानते हो तो क्या जाएगा, x माइनस आइटा वाई, x से x कैंसिल तो y इक्वल टू क्या आ गया, जीरो, और y जीरो आ गया, इसका मीनिंग ये जो डेल्टा है आपका प्योरली क्या होगा, रियल। तो देन इसका सेकेंड ऑप्शन आपको फिल करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 22 इज, क्वेश्चन 22 में क्या बोला गया, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस कॉमा दिस हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, आपको एक होमोजीनियस थ्री वेरिएबल का क्या कहना है, सिस्टम, और दिस हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका काम करते हैं क्योंकि इसमें टी आ रहा है, उसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी शायद। एंड एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव प्लस एफ एक्स इक्वल टू टू, देन जीरो से माइनस टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है ये क्या हैज मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्या होगा, एक्स वाई जेड से बनने वाले कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट जीरो करोगे, डेल्टा जीरो, तो कितना आ गया, टू माइनस वन वन, दिस इज वन माइनस टू वन, और लास्ट इज टी माइनस वन एंड टू। इसको सोल्व कर देते हैं, टू के लोग ओपन किया, माइनस के फोर प्लस के वन, माइनस माइनस प्लस वन आ गया, इस रो कॉलम को हटाओ, दिस इज टू माइनस टी, और लास्ट थिंक इज वन के साथ माइनस वन प्लस टू टी इक्वल टू जीरो। तो देखो कितना आ गया, माइनस फोर और वन माइनस थ्री, तो माइनस के सिक्स, प्लस के टू माइनस के टी, माइनस के वन प्लस के टू टी इक्वल टू जीरो, टू ऑफ टी एंड टी प्लस के टी आ गया, माइनस सिक्स और वन माइनस सेवन प्लस टू, दिस इज माइनस फाइव, तो उधर जाके आ गया फाइव, तो टी आ गया अपना फाइव, याद रखें। उसके बाद एक इस पे ध्यान दो, ये एक फंक्शनल रिलेशन गिवन है आपको, इसका यूज क्या है, क्योंकि जिसकी वैल्यू बतानी है वो क्या होगा, क्वेश्चन जीरो से माइनस टेन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या करेंगे अपन, आप इसको यूज करते हैं ये गिवन कंडीशन का क्या करना है, तो इसको हटा देते हैं एक बार, इसमें क्या करोगे, एक्स इज रिप्लेस बाय एक्स प्लस फाइव, आपको पता होना चाहिए कि जब भी फंक्शनल इक्वेशन गिवन है इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 5 का, तो x को x प्लस 5 से रिप्लेस करो, तो कितना आ गए, f ऑफ x प्लस 10 प्लस f ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 2। जैसे ही दोनों को इक्वल करोगे, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो क्या रह गया, f ऑफ x प्लस 5 कैंसिल, तो f ऑफ x प्लस 10 इक्वल टू क्या आ गया, f ऑफ x, तो ध्यान दें ये कौन सी फॉर्मेट है, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस t, इसका मीनिंग इसका पीरियड क्या होगा, 10 होगा, ये जो fx फंक्शन है इसका पीरियड आपका 10 है, तो क्या कर सकते हैं, इसका पीरियड 10 है तो अपन माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या गया, 0 से 10 f ऑफ x dx। अब क्या करना है, सुनो, आपको f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 5 की वैल्यू 2 गिवन है, तो ये जो fx है इसको आप f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 5 में क्या करो, कन्वर्ट करने की ट्राई, तो इसका बेटर ऑप्शन क्या है, इसको अपन क्या करते हैं, p3 प्रॉपर्टी से 5 पे स्प्लिट कर देते हैं, अब ये लिखने के बाद समझ जाएगा सबको, ये लो dx लगा देना दोनों में, ये करने के बाद क्या करो, जो सेकंड इंटीग्रेशन है ये 5 और 10 है, इसको भी 0 5 ले आए अपन, दोनों की इंटीग्रेशन की लिमिट सेम हो, ये fx है और इसको अगर आपने f ऑफ x पे 5 में क्या कर दिया कन्वर्ट, तो इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 2, तो क्या करो, इस सेकंड इंटीग्रेशन में आप रिप्लेस कर दो x को t प्लस 5, ये लो, जैसे ही आप इसको t प्लस 5 लोगे तो t प्लस 5 लेने पे कितना आ गया, देखो x को 5 लोगे तो t 0 और x को 10 लोगे तो t 5, तो ये तो आ गया 0 से 5 और ये बन गया f ऑफ t प्लस 5 dt, और t की जगह दोबारा x ले आओ, तो दोनों में इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है, तो क्या बन गया fx प्लस f ऑफ x प्लस 5, तो बाद में इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 2, तो क्वेश्चन हो गया माइनस इंटीग्रेशन 0 से 5 2 dt, तो कितना जाएगा माइनस के 10, तो देन आपको इसका सेकेंड ऑप्शन फिल करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करना है, If the matrix A in such that A this part equal to this part, then A is equal to. तो देखो बहुत सिंपल सा मेथड, क्या करना है इसमें आपको A चाहिए, इसका मतलब इसको रिमूव करना है, तो एक काम करो ना, इसको थोड़ा समझने के लिए B लेट कर लेते हैं, इसको V लेट कर लो, माइनस वन टू थ्री एंड वन, तो अपना क्वेश्चन क्या रह गया, ए बी इक्वल टू माइनस फोर वन सेवन एंड सेवन, अब A चाहिए तो इस बी को रिमूव करना है,
तो बी को रिमूव करने का बेटर ऑप्शन है, इसका इनवर्स ले लो, बी इनवर्स। बट देखो इस बी का जब डिटरमिनेंट चेक करोगे तो कितना होगा, -1 -6 -7। यस सर, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो उसका क्या ले सकते हैं, इनवर्स। तो आप क्या करो, इस डिटरमिनेंट इस इक्वेशन को बी इनवर्स से क्या करो, पोस्ट मल्टीप्लाई। तो ए इक्वल टू आ गया बेटा -4 -4 7 7 इंटू बी इनवर्स। तो अब क्या करते हैं, इस गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो बी का क्या करोगे, इनवर्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब इनवर्स लेना है तो उसका फॉर्मूला क्या पड़ा था, एडजॉइंट बी अपॉन मोड बी। ये लो, तो एडजॉइंट बी क्या होगा, और ये ध्यान रखें जब भी मैट्रिक्स आपकी 2x2 की है तो एडजॉइंट बी का मीनिंग क्या है, कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेना है, सॉरी ट्रांसपोज, कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो जब भी 2x2 की, तो उसका सीधा आंसर है इनको तो कर दो इंटरचेंज, वन इधर माइनस में इधर, और इनमें कुछ ना करो, अपोजिट साइन, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। तो ये आ गए लो अपॉन -k7। इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं और बाद में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो a इक्वल टू क्या आ गया, 1 -7 -4 1 7 7, और दिस इज ऑल्सो 1 -2 -3 -k1। तो रो वाई कॉलम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देन वी विल गेट -k1/7। तो देखो ये तो आ गया -4 -3 -k7, ये क्या होगा -4 -2 +8 -1 = 7। नेक्स्ट क्या होगा, 7 और -21 -k14। दोबारा सुन लो, 7 और -21 -14, और लास्ट इज -14 और -7 -14 -7 -k21। और अब देखो ये अपन को पता है मैट्रिक्स के अंदर कुछ कॉमन लेना है तो ईच एलिमेंट और ईच रो से कॉमन लेते हैं। तो आप सिंपल क्या करो, सब में से -7 कॉमन ले लो, जैसे ही -7 कॉमन लोगे तो रिमेनिंग पार्ट इज 1 -1 2 एंड 3। तो देखते हैं ऑप्शन है क्या, 1 -1 2 एंड 3। यस सर, तो देन इसके अकॉर्डिंग इसका थर्ड ऑप्शन आपको फिल करना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि दी नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दी मैट्रिक्स इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 1 2 3 इज। इस मैट्रिक्स इक्वेशन के क्या बताने, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ऐसी कितनी मैट्रिक्स हो सकती है एक्स जो इस कंडीशन को क्या करती है, सेटिस्फाई। तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, इसको आप लेट करो, एक्स 2x2 की मैट्रिक्स लेट कर दो ए बी सी डी। अब इसका क्या चीज स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, ए बी सी डी, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ए बी सी डी। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू रो वाई कॉलम, इसको इससे किया तो ए स्क्वायर प्लस बी सी, अगला ए बी प्लस बी डी, अगेन ए सी प्लस सी डी, और लास्ट इज बी सी प्लस डी स्क्वायर। और इसको इससे कंपेयर कर दो, तो ये वैल्यू 1 this 1 this is 2 this is 3, इन चारों को कंपेयर कर देते हैं। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी सी को 1 लेना है, ए बी प्लस बी डी को 1 लेना है, इसमें से चाहो तो बी को ले सकते हो, तो ए प्लस डी आ गया बेटा 1। फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या होगा, अगेन सी को 1, तो ए प्लस डी इज 2, और लास्ट इज बी सी प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 3। इन फोर इक्वेशन को सोल्व करके आपको ए बी सी डी की वैल्यू क्या करनी, कैलकुलेट। तो ए बी सी डी की जितने पेयर्स होंगे उतनी क्या होंगी, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स होंगी, तो वही आपके सॉल्यूशन होंगे। तो चलो इसको रिमूव करके अब अपन इन फोर इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं। तो इसमें देखो बहुत 2-3 स्टेप समझा देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, देखो इसमें ए डी ए डी कॉमन है ना, तो आप फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया बी अपॉन सी इक्वल टू 1/2, तो देन इंप्लाइज दैट सी इक्वल टू, तो आ गया 2 ऑफ बी। सी इक्वल टू 2 भी आने के बाद देखो क्या कर सकते हैं अपन, अब फर्स्ट में से फोर्थ इक्वेशन को माइनस करो एक बार, तो देन वी विल गेट ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -k2।
तो उसके फैक्टर क्या होंगे, a माइनस डी, ए प्लस डी इक्वल टू माइनस के टू। अब एक काम करो, आपके पास a प्लस डी की वैल्यू, a प्लस डी को मैं ले सकता हूँ वन अपॉन बी, तो a प्लस डी को जैसे ही वन अपॉन बी लोगे तो इससे कितना आ गया, a माइनस डी आ गया माइनस के टू बी। लेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a माइनस डी कितना आ गया माइनस के टू बी, और a प्लस डी कितना आया था वन अपॉन बी। अब एक काम करो, इन दोनों इक्वेशनों को अपन एक बार ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं बोलो, ऐड। तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो इससे आ गया 2a इक्वल टू माइनस टू बी प्लस वन अपॉन बी। दिस पार्ट आने के बाद आपको जैसे एक सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन को लेके आना, तो चलो 2a की वैल्यू आपको b की टर्म आ चुकी है, c की वैल्यू भी b की टर्म में, तो कौन सा रिलेशन यूज करना चाहिए, और कोई रिलेशन, हाँ ये ले सकते हैं अपन, ये लो, इससे हो जाएगा सब। ये आ गया बी सी प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू थ्री, तो हाँ इसमें ये करो आप इसको b में कन्वर्ट करने की ट्राई करो, तो c की जगह 2b लोगे तो कितना आ गया 2b स्क्वायर। अब इसमें d की वैल्यू चाहिए, तो आप एक काम करो, नॉट a की वैल्यू, आप इसमें क्या करो, इस इक्वेशन में से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, तो 2d इक्वल टू आ गया वन अपॉन बी प्लस टू बी, कितना आ गया बोलो, 2d इक्वल टू वन अपॉन बी प्लस टू बी। तो बेटा इससे b कितना होगा, वन अपॉन टू बी प्लस बी, बी प्लस वन अपॉन टू बी का होल स्क्वायर इक्वल टू थ्री। जैसी आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बी फोर में क्या बनेगी, वाई क्वाड्रेटिक, तो बी की फोर वैल्यू जो आपको अचीव होंगी उसी के करस्पॉन्डिंग ए बी सी डी की वैल्यू मिलेंगी। तो टोटल फोर मैट्रिक्स इक्वेशन दिस इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई। तो देन ओनली टू, जीरो वन मोर देन टू, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपको फिल करना है। उसके बाद देखो 25 क्वेश्चन क्या है, इफ ए वी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, सच दैट मोड़े आपको 1 गिवन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 गिवन है, देन एडजॉइंट ए इनवर्स का होल इनवर्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए। तो एक काम करते हैं, थोड़ा समझें प्रॉपर, ये जो एडजॉइंट ए इनवर्स है इसको मैंने थोड़ी देर के लिए मैट्रिक्स लेट की, अभी थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल लगेगी आपको। एडजॉइंट ए इनवर्स को बी लेट करो, तो क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, बी इनवर्स का मोड। अब आपको पता होना चाहिए ए इंटू ए इनवर्स आई, तो मोड डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1, तो ए इनवर्स को ले सकते हैं, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये आ गया 1 अपॉन बी का डिटरमिनेंट। अब बी का क्या चाहिए, डिटरमिनेंट, तो क्या करें इसमें, मोड डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, और आपको पता होना चाहिए एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, ए की जगह क्या है, ए इनवर्स की पावर, मतलब सुन लो इधर, एडजॉइंट ए का मोड डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, तो कितना आ गया, ए इनवर्स के डिटरमिनेंट की पावर 2 आ गया, क्योंकि ऑर्डर 3 है इसका। और बाद में डिटरमिनेंट ऑफ ए का मीनिंग, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये आ गया 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, तो ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो अल्टीमेटली सॉल्व करने पे आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो अपने पास डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 गिवन है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो, 4, तो देन आपको इसका थर्ड ऑप्शन फिल करना है। उसके बाद देखो इसका सेक्शन बी, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स पी सेटिस्फाई पी स्क्वायर इक्वल टू आई माइनस पी, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इफ पी की पावर एन इक्वल टू 5i माइनस 8p, देन लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n इज। तो देखो एक काम करो, आपको पी की पावर n को 5i माइनस 8p लाना है, तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप जो गिवन है इसी को सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं। तो अपन को चेक करना है कि 5i माइनस 8p कब आ सकता है, तो एक बार क्या किया, इसकी पावर 4 करो, स्क्वायर करने पे क्या आएगा, आई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2ip, क्योंकि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए बी लिखो या बी नो प्रॉब्लम, तो अल्टीमेटली पी 4 कितना आ गया, आई स्क्वायर का मीनिंग आई प्लस पी स्क्वायर की जगह क्या जाएगा, आई माइनस पी, और ये आ गया माइनस के 2 ऑफ पी। तो बेटा पी की पावर 4 कितना आ गया, 2i माइनस 3p। अब क्या करो,
अब पी फाइव भी चेक कर सकते हो, पी सिक्स, जब इसमें पी की पावर सिक्स करोगे, पी की पावर सिक्स का मतलब क्या होगा, दिस पार्ट को दिस पार्ट से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, टू आई माइनस थ्री पी इंटू आई माइनस पी। तो देखो बेटा, टू आई इंटू आई, टू आई स्क्वायर जी टू आई, टू आई पी, तो माइनस के टू आई पी, ये आ गया माइनस के थ्री आई पी और प्लस थ्री ऑफ पी स्क्वायर, ये तो पी बन गया, तो कितना आ गया ये, टू आई माइनस के फाइव पी प्लस के थ्री, और पी स्क्वायर की वैल्यू अगेन क्या होगी, आई माइनस पी, तो थ्री आई और टू आई तो कितना आ गया, फाइव आई, और माइनस फाइव पी और माइनस थ्री पी माइनस के एट पी, तो देखो ये इसी की इक्विवेलेंट है, जब आप पी की पर फाइव चेक करोगे तो ये इसके इक्विवेलेंट नहीं होगा, और उसके बाद आगे तो जाना ही नहीं है। इसने क्या पूछा गया है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, तो देन आपको एन इक्वल टू सिक्स आंसर का फिल करना है, ठीक है। देखो सिंपल क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए कोमा बी एंड सी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए बी सी आपकी सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट ए माइनस बी का डिटरमिनेंट आपको नॉन जीरो के बने, ए की पावर फोर इक्वल टू बी की पावर फोर, सी क्यूब ए इक्वल टू सी क्यूब बी, बी क्यूब ए इक्वल टू ए क्यूब बी, तो बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसको क्वेश्चन की करने की थीम क्या है, दिस डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए अपन को, और ए माइनस बी आपका क्या है, नॉन जीरो, तो एक काम करो आप इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, कितना आ गया देखो, ये आ गया, इधर लिख देते हैं, इक्वल टू पहले ए क्यूब से मल्टीप्लाई करो, तो ए की पावर फोर माइनस ए क्यूब बी प्लस बी क्यूब ए माइनस बी की पावर फोर, दोबारा लिखते एक बार, वो इरेज हो गया, क्या करोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, दिस पार्ट इक्वल टू पहले ए क्यूब को करो दोनों से, तो ए की पावर फोर माइनस ए क्यूब बी, फिर बी क्यूब से किया तो प्लस बी क्यूब ए माइनस बी की पावर फोर, प्लस सी क्यूब से करोगे बेटा तो सी क्यूब ए माइनस सी क्यूब बी। अब देखो जरा ए की पावर फोर बी की पावर फोर, तो ए की पावर फोर बी की पावर फोर कैंसिल आउट, क्योंकि इक्वल बोला गया, उसके बाद सी क्यूब ए इक्वल टू सी क्यूब बी है क्या इसमें कहीं, हाँ सी क्यूब ए इक्वल टू सी क्यूब बी, तो ये से कैंसिल, और नेक्स्ट इज बी क्यूब ए और ए क्यूब बी इक्वल है, तो ये भी कैंसिल, तो क्या हुआ इन दोनों के मल्टीप्लाई की वैल्यू कितनी है, जीरो। अब दोनों का क्या ले लेते हैं, बोलो मोड डिटरमिनेंट, तो दोनों पे डिटरमिनेंट क्या लगा सकते हैं, सेपरेट, मतलब दिस डिटरमिनेंट इनटू दिस डिटरमिनेंट जीरो है, तो या तो दिस पार्ट जीरो और दिस पार्ट जीरो, इसके लिए मना किया, इसका मतलब दिस पार्ट को क्या होना पड़ेगा, जीरो, तो देन इसका जीरो आंसर आपको फिल करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है आपको 3x3 की, बी का मीनिंग बोला गया एडजॉइंट ए, सी का मीनिंग 5 ऑफ ए, देन दी वैल्यू ऑफ एडजॉइंट बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ सी, एडजॉइंट बी के डिटरमिनेंट अपॉन सी के डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करो अपन को पता है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कितना होगा, मोड ए की पावर एन माइनस वन, एन आपका 3 है तो क्या आ गया, मोड ऑफ ए स्क्वायर, अपन को क्या चाहिए एडजॉइंट बी, तो एडजॉइंट बी का मीनिंग क्या होगा, मोड बी की पावर एन माइनस वन, तो मोड बी स्क्वायर अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ सी। अब डिटरमिनेंट ऑफ बी के लिए क्या करोगे, इसका दोनों तरफ क्या लगोगे, डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या होगा, एडजॉइंट ए का मोड, और एडजॉइंट ए का मोड क्या होगा, मोड ए स्क्वायर, तो ये तो आ गया न्यूमरेटर में डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4 अपॉन सी का डिटरमिनेंट, तो ध्यान दो इसका जब दोनों तरफ मोड लोगे, डिटरमिनेंट लोगे आप, तो क्या गया
फाइव ए का डिटरमिनेंट। और अब आप ध्यान रखें, किसी भी ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल, के ए का डिटरमिनेंट ऑलवेज क्या होगा, के की पावर एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो कितना जाएगा, फाइव की पावर थ्री इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो अल्टीमेटली कितना गए, फाइव की पावर थ्री डिटरमिनेंट ऑफ ए, ए के कैंसिल है तो कितना रह गए, ए का क्यूब अपॉन फाइव का क्यूब। अब आपको क्या चाहिए, इसका डिटरमिनेंट करना है, तो ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, देखो पहले वन के अलोंग, तो जीरो माइनस माइनस प्लस थ्री, माइनस वन के अलोंग प्लस वन करोगे, जैसे ही प्लस वन करोगे तो जीरो प्लस सिक्स आ गया, और लास्ट थिंकेज प्लस वन के अलोंग जीरो माइनस फोर, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, सिक्स और थ्री नाइन माइनस फोर इज फाइव, ये फाइव आ गया, तो फाइव क्यूब अपॉन फाइव क्यूब इज वन, तो इसका आपको वन आंसर फिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेल्टा आर, एक टू क्रॉस टू की आपको डिटरमिनेंट गिवन है, उसमें वेरिएबल आर, तो उसको डेल्टा आर बोला गया, दिस पार्ट वेयर आर इज नेचुरल नंबर देन दी वैल्यू ऑफ सिग्मा दिस पार्ट, तो एक काम करो, डेल्टा आर का मीनिंग क्या होगा, इसमें कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या गया, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले इसका लेते हैं सिग्मा, सिग्मा आर इक्वल टू वन से 1024 डेल्टा आर, तो इधर भी सिग्मा लगा, तो सिग्मा आर इक्वल टू वन से 1024 ये आ गया आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन का होल स्क्वायर। और आप ढंग से देखो, इन दोनों में वन का डिफरेंस है, तो जैसे ही आप आर की लिमिट पुट करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या होंगी, इसमें कैंसिल हो, मतलब ये टेलीस्कोप सीरीज है, वन लेने पे आ गया वन स्क्वायर माइनस जीरो, टू लेने पे टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, अगला थ्री स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, थ्री पुट करने पे, और डॉट 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 जब लास्ट चलोगे तो 1024 पुट करने पे 1024 का स्क्वायर माइनस 1023 का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली इसमें क्या होगा, देखो वन स्क्वायर से वन स्क्वायर कैंसिल, टू स्क्वायर से टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर से थ्री स्क्वायर, और ये टर्म इसकी प्रीवियस टर्म से क्या होगी, कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू क्या मिली, 1024 का स्क्वायर, और बेटा 1024 का मीनिंग क्या होगा, 2 की पावर 10 का स्क्वायर, ये आ गया 2 की पावर 20, और आपको वैल्यू किसकी चाहिए, 2 की पावर 20 की पावर 1/10, तो 0 कैंसिल, तो 2 की पावर 2 इज 4, तो इसका 4 आंसर आपको फिल करना है। और इसके बाद देखो इसका लास्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझने वाला पार्ट है, क्या बोला गया, आपको एक इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस कॉमा दिस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन देन दिस पार्ट इज 8 देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, आपको थ्री इक्वेशंस का सिस्टम गिवन है और हैज ए यूनिक सॉल्यूशन और एक रिलेशन गिवन है ये, तो बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है। इसको ऐसे करना है, देखो ये एक सिंपल रिलेशन गिवन है, ये भी एक सिंपल, ये देखो ये सेकंड डिग्री की आपको जनरल इक्वेशन है, ये पार्ट थोड़ा पेयर ऑफ स्टूडेंट से रिलेटेड है, इसमें क्या करते हैं अपन, ये जो ए एक्स स्क्वायर है इसमें एक काम करो, इसको ऐसे लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस इस टू एच एक्स वाई को लिखो आप एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई, दो को दो दो में ब्रेक करो आप, ऐसे ही टू जी एक्स को सिंगल सिंगल में ब्रेक करो जी एक्स प्लस जी एक्स, सिमिलरली एफ वाई प्लस एफ वाई प्लस सी प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, ये लिखने के बाद ध्यान से देखो दिस पार्ट और दिस पार्ट में तो कॉमन आ गया एक्स, तो क्या बचेगा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, एक्स कॉमन ले लिया प्लस इसमें से वाई और इसमें से वाई कॉमन लो, तो क्या बच गया, जैसे वाई कॉमन लोगे तो एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ सॉरी एफ वाई प्लस रिमेनिंग पार्ट इज जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी प्लस सिंगल सिंगल जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो देखो ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जीरो है और एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जीरो, ये दोनों जीरो में चले जाएंगे, तो जो थर्ड इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, ये थर्ड इक्वेशन आ चुकी है, ये भी एक
स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी, ये ऑल थ्री स्ट्रेट लाइन हैज ए सिंगल पॉइंट, इसका मतलब ये तीनों कॉन्करेंट लाइन है, और अगर ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो इनका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। इसका डिटरमिनेंट क्या करना है अपन को, जीरो। ये अपन को पता होना चाहिए कि थ्री स्ट्रेट लाइन्स आर ऑलवेज कॉन्करेंट, तो उनके कोफिशिएंट से बनने वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो ए एच जी, अगला एच बी एफ, और ये आ गया जी एफ सी। इसमें ने एक काम किया समझाने के लिए, सी प्लस लैम्डा को सी वन मान लिया, ये लो। अब अपन को सीधा याद है इस डिटरमिनेंट को जब अपन सोल्व करते तो कितना आता है, ए बी सी प्लस टू एच जी एफ माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी डैश एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सी डैश की जगह अपन को पुट करना है सी प्लस लैम्डा, तो देखो कितना जाएगा, ए बी सी प्लस लैम्डा प्लस दिस पार्ट इज एज इट इज माइनस के ए एफ स्क्वायर माइनस के बी जी स्क्वायर माइनस के एच स्क्वायर इंटू सी प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो। अब देखो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते अपन, ए बी सी टू एच जी एफ माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी, इसको तो करो सेपरेट, ए बी सी, तो जिसकी वैल्यू गिवन है अपन को उस फॉर्मेट में लाने की ट्राई करते हैं, ए बी सी प्लस टू एच जी एफ माइनस के ए एफ स्क्वायर माइनस के बी जी स्क्वायर माइनस के सी एच स्क्वायर, और रिमेनिंग पार्ट कौन है इसमें, एक तो आ गया ए बी लैम्डा और एक आ गया माइनस एच स्क्वायर लैम्डा, उनको राइट साइड में शिफ्ट कर दो, तो माइनस एच स्क्वायर लैम्डा तो आ गया प्लस का, तो लैम्डा इंटू एच स्क्वायर, और ये आ गया माइनस के ए बी लैम्डा, तो लैम्डा कॉमन, तो एच स्क्वायर माइनस कितना आ गया ए बी। और ढंग से देखो इसको जैसे डिवाइड मिलाओगे तो क्या आ गया, दिस अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू लैम्डा, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी मेंशन है, 8, तो लैम्डा इक्वल टू 8 आंसर आपको इसका फिल करना है, ठीक है। तो एक ठीक क्वेश्चन था, चलो बेटा थैंक यू, उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी, टीम केमिस्ट्री। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ कैम में पेपर 20 आप दे चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल प्रोड्यूस हॉट वाटर, हॉट वाटर किसकी वजह से आएगी, तो आपको पता ही सेचुरेशन ऑफ वाटर विद कैल्शियम सल्फेट। सल्फेट देखा जाए तो बहुत पार्शियली सोल्यूबल होता है इसका, बेरिलियम और मैग्नीशियम सल्फेट कम्प्लीटली सोल्यूबल होते हैं, फिर सोल्यूबिलिटी नीचे जाने पर इनकी कम होती जाती है। नेक्स्ट, पैरा एंड ऑर्थो हाइड्रोजन डिफरेंट, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, न्यूक्लियर स्पिन मतलब प्रोटोनों का स्पिन अपोजिट होगा, जैसे ये ऑर्थो हाइड्रोजन में सेम डायरेक्शन में रहेंगे, और जब पैरा की बात आएगी तो ये आपके अपोजिट स्पिन में चले जाएंगे, तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ क्रोमिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद H2O2 इनिशियल यील्ड, इनिशियल यील्ड की बात कर रहा है, तो इनिशियली क्या होता है आपको पता है CrO5 और H2O बनता है, जब आप Cr2O7 एसिडिफाइड कर रहे हैं H2O2 से रिएक्शन करवाते हैं तो एक ब्लू कलर का सब्सटेंस बनता है Cr5 और H2O यहाँ पे बन जाएगा। Cr5 अगर देखा जाए तो सी हाफ बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होती है, सॉरी ब्लू कलर का ये सब्सटेंस है प्लस 6, जिसमें दो प्रोक्सी लिंकेज आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, थर्ड आंसर हो जाएगा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्सटेंस ऑन रिएक्शन विल नॉट इवॉल्व H2 गैस, तो जो नेगेटिव SRP रखते हैं वो सारे ही H2 गैस प्रोड्यूस करते हैं डाइल्यूट एसिड, एक HNO3 को छोड़ के, तो यहाँ पे H2 गैस लिबरेट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे नहीं, ये पॉजिटिव SRP रखता है तो ये इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। बाकी आपको पता है यहाँ पर इथाइल एल्कोहल, सोडियम की जब इथाइल एल्कोहल से करवाओगे तो सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा, और साथ में आपकी H2 गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी, और ये स्टीम से आपको पता है Fe3O4 बन जाएगा और H2 गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी, यहाँ पर आपको पता है आपका FeSO4 बन जाएगा और H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। नेक्स्ट,
H2O2। तो आपको पता है H2O2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो प्लेनर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसके अंदर ये लोन पेयर एक ही डायरेक्शन में थी, यो हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके भी दोनों लोन पेयर नीचे, इसके भी दोनों लोन पेयर नीचे, तो नॉन प्लेनर हो गया। नेक्स्ट, द रिएजेंट कॉमनली यूज टू डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ वाटर टाइट्रेट मेट्रिकली, मतलब कि टाइट्रेशन के अंदर, या आप ये देखिए हार्डनेस का एस्टिमेशन किससे किया जाता है, तो EDTA कॉम्प्लेक्स, तो आपका आंसर आ जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA, क्योंकि आपको पता है हार्डनेस जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के परमानेंट हार्डनेस, इन्हीं के कार आपके सल्फेट क्लोराइड या नाइट्रेट सॉल्ट की वजह से होती है। तो अगर इसमें EDTA सोडियम, यही मान लो आप EDTA अगर मिलाया जाता है तो इनके साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, क्लियर, तो आपका यहां पे आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट, हैवी वाटर इज ऑब्टेंड बाय, तो आप यहां पे ध्यान रखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, बार बार इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब जब कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर के, नॉर्मल वाटर में भी हैवी वाटर होता है, कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, तो इसको बार बार हाइड्रोलाइसिस करना या लंबे टाइम तक इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना, सॉरी हाइड्रोलाइसिस बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोलाइसिस लंबे टाइम तक जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, जिसको अपन बोल सकते हैं कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस जब किया जाता है, तो आपका क्या बन जाएगा, D2O। NCERT में आपको ये मिल जाएगी लाइन ऐसे कैसे। नेक्स्ट देखिए, पॉलीफॉस्फेट्स आर यूज एज वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट बिकॉज दे, पॉलीफॉस्फेट्स, पॉलीफॉस्फेट आपको पता है ही, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, दैट इज पॉलीफॉस्फेट, ये एक प्रकार का, ये आपका इसकी कैल्गोन प्रोसेस हो सकती है जब परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, केटाइनिक जो स्पीसीज होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसके साथ एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेती है, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड। सस्पेंशन ऑफ सेलेक्ट लाइम इन वाटर इज नोन एज, तो ये आ जाएगा मिल्क ऑफ लाइन, कईयों का ध्यान इस पे जाएगा लाइम वाटर, लाइम वाटर एक क्लियर सॉल्यूशन होता है, हमेशा याद रखें, यहाँ पे बात कर रहा है ये किसकी, सस्पेंशन की, तो आपको मिल्क ऑफ लाइम यहाँ पे आंसर जाएगा, क्लियर। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ बेरियम परोक्साइड, तो बेरियम परोक्साइड की रिएक्शन करवा दो आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और H2O2 यहां पर बन जाएगी। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहां -1 में भी है, तो इसके अंदर देखा जाए तो -2 में भी है, तो आपका आंसर कौन सा चला जाएगा, सेकंड। एसिड की स्ट्रेंथ का सीक्वेंस पूछा है, तो आपको पता है बिल्कुल सिंपल सा, CO2 का सबसे ज्यादा, ये तो न्यूट्रल या एम्फोटेरिक आप बोल सकते हो, न्यूट्रल बोला जाएगा वैसे, फिर इससे थोड़ी ज्यादा H2O2 की और इससे भी ज्यादा आपकी CO2 की। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉल्स अबाउट H2O2, एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड, बिल्कुल चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक, दोनों ही मीडियम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है और रिड्यूसिंग का भी, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, आपको यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट देखना है। टू OH bonds lies in the same plane, नहीं, H2O2 की अगर मैं बात करूँ तो ये सेम प्लेन में नहीं हो सकते, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, तो दो अलग अलग प्लेन में होगा, ये OH अलग प्लेन में होगा और ये अलग प्लेन में होगा, यूँ होंगे, एक OH इधर एक दूसरे प्लेन, तो आपका यही फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, अमंगेस्ट फ्लोराइड्स ऑफ एल्कलाई मेटल्स द लोवेस्ट सोल्युबिलिटी ऑफ लिथियम फ्लोराइड, देखो सोल्युबिलिटी जो होती है उसमें हमेशा ध्यान रखो, जब लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाती है हाइड्रेशन एनर्जी से तो इनसोल्यूबल होगा, और जब लैटिस एनर्जी से हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो आपका कंपाउंड सोल्यूबल हो जाएगा, तो यहाँ पे इनसोल्यूबल बोल रहा है, इसका मतलब लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, तो लिथियम ये स्मॉल कैटाइन है और फ्लोराइड तो स्मॉलेस्ट एनाइन है, सॉरी, तो फ्लोराइड आपका यहाँ पे स्मॉलेस्ट एनाइन हो गया, ठीक है, तो हाई लैटिस एनर्जी इसका आंसर आ जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट,
व्हेन सेम अमाउंट ऑफ, यहां पे देखना सेम अमाउंट ऑफ जिंक क्या है, इज ट्रीटेड सेपरेटली एक्सेस सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड भी एक्सेस में है और एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कलाई भी यहां एक्सेस में। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व्ड इज, तो एक काम करें जिंक है इसकी अपन डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करवा दो, बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे अपन, तो ZnSO4 प्लस H2, तो इसका वन मोल लेके चलोगे तो इसका भी वन मोल ही प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर जिंक की आप NaOH से करवा दो तो NaOH आपका एक्सेस में लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका सोडियम जिंकेट बन जाएगा और साथ में वन मोल H2 गैस, तो दोनों में ही वन रेशियो वन आ जाएगा, आपका कौन सा आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स रिप्रेजेंट द सेलाइन हाइड्राइड, फर्स्ट एक हाइड्राइड या आयनिक हाइड्राइड जो होते हैं, फर्स्ट एक या सेकंड ए भी ले लो, आयनिक हाइड्राइड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सेलाइन हाइड्राइड कहलाएंगे। नेक्स्ट, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंटरस्टिशियल, तो ये रहा अलग से ही दिख रहा है। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कौन से होते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं उनके वैकेंट स्पेस में जब पैकिंग होती है तो इंटरस्टिशियल स्पेयर में नॉन मेटल हाइड्रोजन आपका वहां जाके फंस जाता है, वो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड हो गया। अब ये आपका सेलाइन हाइड्राइड हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन विद, तो देखो अगर इसके साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन कराओगे तो एच बी आर बनेगा, एच बी आर बनने का मतलब ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम थोड़ा ही कर रहा है, इसका रिडक्शन हुआ, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। यहाँ एन टू से रिएक्शन करवा दो तो एन एच थ्री, तो ये माइनस थ्री ये प्लस, यहाँ पे भी ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। कैल्शियम से रिएक्शन करवा दो तो कैल्शियम हाइड्राइड बन गया, कैल्शियम हाइड्राइड में क्या होगा, ये माइनस में है ये प्लस में, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया इसने प्लस टू में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कहाँ कर रहा है इसके साथ। यहाँ पे भी है H2S अगर बने तो ये माइनस टू में गया, तो यहाँ पे ये खुद प्लस में, तो रिड्यूसिंग एजेंट का ही काम करेगा, तो आंसर कौन सा जाएगा सेकंड। द एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल इज कॉल्ड, तो ऑक्लूजन कहलाएगा, मतलब कि सॉलिड सरफेस पे आके गैस का डिपॉजिट होना, ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपको ये सरफेस केमिस्ट्री में ऐसे कैसे मिल जाएगी ये लाइन, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाय एडिंग, टेम्परेरी हार्डनेस को हटाना हो तो आप एनसीईआरटी में देखना जो रिएक्शन दी है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ दी है, क्योंकि वाटर में जाते एक लाइम है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बाकी मिलाया जाता है वो लाइम मिला दिया जाता है आपका, टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने क्लार्क मेथड है आपका ये। क्लियर? अगर इस प्रोसेस को आप देखना चाहें तो यूं देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, जैसे कैल्शियम प्लस टू आयन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ मिला दिया जाएगा, या टेम्परेरी हार्डनेस ये लो बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, पूरा ही ले लो आप रिएक्शन, ठीक है, और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड आपका मिला दिया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और ये फाइनली कैल्शियम कार्बोनेट को पीपीटी की फॉर्म में दे देगा, फिर आपकी यहाँ से CO2 और H2O यहाँ से हट जाएंगे। क्लियर? तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, आपका आगे परमिटेड इज ए टेक्निकल नेम गिवन टू, तो ये हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं, जियोलाइट जिसको बोला जाता है, सेकेंड आंसर आ जाएगा। ये भी आपको एनसीईआरटी में लाइन मिलेगी ऐसे कैसे जियोलाइट में, या हार्डनेस को दूर करने के लिए काम में लेते हैं, वहां पे देखना हाइड्रोजन में मिल जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सेकेंड ए मेटल्स हाइड्रोक्साइड इज सोल्यूबल इन NaOH, तो ये तो बेसिक है, ये तो सोल्यूबल होंगे नहीं, बाकी ये NaOH के अंदर सोल्यूबल है एल्केलाइन में, बना लेगा आपका Na2BeOH। तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन जियोलाइट विच इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट इज ट्राइटेड विद हार्ड वाटर द सोडियम आयन एक्सचेंज विद, केटाइन जियोलाइट होते हैं वो सिर्फ केटाइन, और इसके अलावा कैल्गोन प्रोसेस होती है वो भी केटाइन को एक्सचेंज कर पाती है, जबकि आयन एक्सचेंज रेजिन जो होता है वो
केटाइन और एनाइन के लिए दोनों के लिए काम होती है तो ज्यादा बेटर वो रहता है, ठीक है। खैर यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को उठाने के लिए होता ही है, तो आपका कैल्शियम आयन यहाँ दे रखा है आंसर में। नेक्स्ट, दिस सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाई मेटल्स इज ड्यू टू, तो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सेम होता है जिस वजह से इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। जैसे एल्कलाइन मेटल की बात करें तो NS1 कॉन्फिग्रेशन चलता है, एल्कलाई अर्थ की बात करें तो NS2 आ जाता है। बात आ गई समझ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन यील्ड ए बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड, ये रहा। इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा जो कि बेसिक है, और नॉन मेटल ऑक्साइड CO2 बन जाएगा जो कि आपका कैसा है, एसिडिक है। तो आपका कौन सा आंसर चला जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1 mole ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड ऑन द रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ वाटर गिव्स, तो आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड 1 mole लेके चल रहा है तो ये क्या हो गया, Mg3N2। इसका करवा दे तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बन जाएंगे 3 mole, तो और 2 mole आपकी यहां पर अमोनिया बन जाएगी, तो आपका आंसर आ गया 2 mole ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट, विच कंपाउंड इज हाईएस्ट कोवेलेंट, तो केटाइन स्मॉल होना चाहिए, तो केटाइन तो सब में सेम है, तो एनाइन जिसमें सबसे बड़ा होगा उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो उसमें कोवेलेंट करेक्टर भी आपके ज्यादा आ जाएंगे। नेक्स्ट, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड की बात कर रहा है तो लैटिस एनर्जी बताएंगे जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा हो, और लैटिस एनर्जी आपको पता है रेशियो ऑफ चार्ज एंड साइज, तो केटाइन की साइज तो सेम है। अब एनाइन देख लो स्मॉल, सबसे स्मॉल कौन सा हो जाएगा ये, और जब साइज और चार्ज में से देखना पड़े तो चार्ज को डोमिनेट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो ये आपका आ जाएगा, इसमें क्या होता है कैल्शियम ओ सी एल सी एल, ये माइनस में, ये प्लस टू में होता है, ये माइनस टू में होता है, ये प्लस वन में, तो ये वाला ग्रुप होता है जो आपका ब्लीचिंग का काम करने वाला है, अनस्टेबल हाइपोक्लोराइड फॉर्म। नेक्स्ट, एनहाइड्रस Na2CO3, तो Na2CO3 डॉट NH2, ये तो आपका होता है वॉशिंग सोडा, और वाटर के मॉलिक्यूल हटा दे एनहाइड्रस, तो इसको बोला जाता है सोडा एस। सेकेंड, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाइग्रोस्कोपिक, तो कौन सा, ये सारे कोवेलेंट हाइग्रोस्कोपिक है, ये आयनिक आ गया, ये आपका हाइग्रोस्कोपिक नहीं होगा। नेक्स्ट, द पेयर हूज बोथ स्पीसीज यूज्ड इन एंटासिड, एंटासिड मेडिकल आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और आपका बेकिंग सोडा यूज किया जाता है NaHCO3। नेक्स्ट, ए सॉलिड कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग गिव्स CO2, एक सॉलिड कंपाउंड एक्स है, इसको हीट करेंगे तो एक रेडिड्यू देगा जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, वाई, कंपाउंड एक्स है जिसको हीट करेंगे तो वाई देगा और साथ में CO2। अब ये कह रहा है वाई का एक्वा सॉल्यूशन ले लो, अच्छा रेडिज्यू, एक मिनट, इसमें ऐसे नहीं बोल के ये बोला गया है, एक कंपाउंड एक्स है वो हीट करने पर एक कंपाउंड दे रहा है, सपोज करो कोई भी एक कंपाउंड दे देगा साथ में CO2 देगा, और ये कह रहा है इस कंपाउंड में अगर पानी मिला दे तो बन जाएगा वाई, ऐसे है। फिर आपका कह रहा है ऑन पासिंग ऑन एक्सेस CO2, इस पर एक्सेस CO2 पास करेंगे तो आपका बन जाएगा जेड, और जेड को अगर हीट करेंगे तो वापस गिव बैक, तो एक काम करते हैं यहां से कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, इसको हीट करेंगे तो CaO बन जाएगा और CO2, इतना था ठीक है, इसका एक्वस सॉल्यूशन तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये आपका वाई समझ लो, ये एक्स समझ लेता हूँ, फिर एक्सेस CO2, एक्सेस सही है, एक्सेस CO2 पास करेंगे तो आपको पता है बाइकार्बोनेट बन जाएगा, अगर सिर्फ लिमिटेड करते तो कार्बोनेट बनता, ठीक है। अब इसको हीट करेंगे तो वापस से ये बन जाएगा CO2 हट जाएगी और H2 हट जाएगा, आपका आंसर कौन सा आ जाएगा,
ये भी ले सकते हैं, लेकिन ये फिर वापस गिव बैक, वापस से ये बढ़ने के बाद में फिर वापस से इसको हीट करने पर ये बढ़ेगा, न कि वापस बाइकार्बोनेट। तो आपका सेकंड ही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज इज, तो सुप्रोक्साइड होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, उनके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये रहा आपका सुप्रोक्साइड। क्लियर? बाकी ये परोक्साइड है, तो परोक्साइड ये दोनों ऑक्साइड हैं, ऑक्साइडों के पास आपको पता है कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1s2, 2s2, 2p6 हो जाएंगे, जबकि परोक्साइड के पास आपको पता है सिग्मा 2px पाई 2py स्टार। तो परोक्साइड में ये दोनों फिल हो जाते हैं, लेकिन सुपरोक्साइड में यहाँ एक ही होता है, वो अनपेड होगा। क्लियर? तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा? फर्स्ट। वेन सोडियम इज डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया, जब सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करेंगे, सपोज करो एक्स प्लस वाई मोल्स ऑफ लिक्विड अमोनिया अपन ने मिक्स कर दिए, तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम अमोनेटेड केटाइन बन गया और अमोनेटेड अमोनिया बन जाएगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो कंडक्टेंस के लिए दोनों रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन कलर के लिए सिर्फ यही रेस्पॉन्सिबल है, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन या अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट के लिए भी यही रेस्पॉन्सिबल है, कलर और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए यही रेस्पॉन्सिबल। ब्लू कलर यहाँ किसकी वजह से आ रहा है? अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इन्वॉल्व, तो ये रहा दी हाइड्रेशन टू फॉर्म ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म ऑफ जिप्सम, जब उसमें पानी मिला दिया जाएगा तो वापस से जिप्सम बन जाएगा, यही तो होता है ना, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ एच टू ओ, दैट इज POP। अगर इसमें पानी मिला दोगे तो ये वापस से जिप्सम बन जाएगा, जिप्सम हार्ड होता है। क्लियर? तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा? थर्ड। यहाँ पे टेम्परेचर इंपॉर्टेंट भाई, 393 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर होने से पूरे वाटर के मॉलिक्यूल अट जाएंगे, पहले जिप्सम बनेगा लेकिन ये आगे डेड बर्नर्ड प्लास्टर में बदल जाएगा, इसका नाम आप दे सकते हैं डेड बर्नर्ड प्लास्टर। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा? थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन वेपर स्टेट, देखो इसमें टेम्परेचर का बड़ा खेल है भाई, जब 1100 केल्विन से ज्यादा चला जाता है तो ये मोनोमर फॉर्म में रहेगा, तब हाइब्रिडाइजेशन एस भी रहेगा, लेकिन टेम्परेचर दिया नहीं, वेपर स्टेट की बात की है, तो जनरली नॉर्मल टेम्परेचर की अपन बात करने वाले हैं, तो वहां पर डाइमर में हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, डाइमर बना के रखता है Cl, ये इधर कोऑर्डिनेट, ये इधर कोऑर्डिनेट, ये Cl, तो ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा। पॉलीमर जब बनता है सॉलिड स्टेट में, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में रहेगा, ये यू चेन चलती जाएगी, तो यहां पर ये, यहां पर ये, यहां समझ गए नहीं यू? अच्छा ये तो अलग हो गया ना, तो यू इधर वाला इसके साथ रहेगा, तो देखो आप 1 2 3 4 बॉन्ड हो जाएंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, तो सॉलिड में sp3 और डाइमर में आपका sp2, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए कंपाउंड एक्स हैज फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, इट इज यूज एज वाटर सॉफ्टिंग एजेंट, तो वाटर सॉफ्टिंग एजेंट में ये भी काम में आ सकता है, ये भी काम में आ सकता है। इट गिवस NaOH ऑन रिएक्शन विद Na2CO3, तो अब ये आएगा क्योंकि Na2CO3 के साथ इसकी रिएक्शन करवा दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NaOH बन जाएगा, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। इट्स क्लियर सॉल्यूशन बिकम्स मिल्की वेन CO2 इज पास, CO2 पास करो तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और H2, तो मिल्कीनेस आ जाएगी। एक्सेस में CO2 पास करोगे तो फिर से मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी बाइकार्बोनेट बनने से, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? सेकेंड। हाँ एक और है भी, इट्स लिबरेट अमोनिया गैस विद अमोनियम सॉल्ट द कंपाउंड एक्सिस, तो अमोनियम सॉल्ट जैसे इसकी रिएक्शन करवा दो मैं अमोनियम क्लोराइड से, तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, H2O बन जाएगी और अमोनिया लिबरेट कर देगा।
क्लियर? तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट फॉर्म हाइड्राइड डायरेक्ट हीटिंग विद H2? ये डायरेक्टली हीटिंग नहीं करता है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, ठीक है? तो डायरेक्टली हाइड्राइड नहीं बनाता है H2 के साथ। नेक्स्ट, व्हाट प्रोड्यूस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl? आप कंसंट्रेटेड भी यहाँ पे बोल सकते हो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है? एक्वस की जरूरत नहीं है वैसे चाहे तो। तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपको पता है कैथोड, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोजन का कम होता है, तो कैथोड पर तो H2 चली जाएगी, क्योंकि ये आपका टूटेगा किस में? NaCl टूट जाएगा Na++ Cl- में, और आपका H2O एक्वस मीडियम है ना, तो H+ OH- हो जाएगा। तो कैथोड पर तो ये चला जाएगा, H2 बन जाएगी, एनोड पे ये चला जाएगा, Cl2 बन जाएगी, और ये कंटेनर में ऐसे कैसे पड़ गए, बच गए, तो ये बन जाएंगे आपके NaOH। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा? फोर्थ आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, बाई प्रोडक्ट आपको देखो सोलवे प्रोसेस में रॉ मटेरियल, एक तो लो में लाइमस्टोन, अमोनिया और ब्राइन, ब्राइन बोले तो एक्वस NaCl, फिर इसमें रिसाइकल होता है किसका? CO2 का और अमोनिया का, ये रिसाइकल एजेंट है जो बनेंगे इसमें बार बार और यूज होते रहेंगे। बाई प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम क्लोराइड रिकवरी टावर में, और इंटरमीडिएट बनता है बाइकार्बोनेट, और मेजर प्रोडक्ट में भी आएगा बाइकार्बोनेट, और साथ में आपका कौन आ जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। तो आपका कौन सा आ जाएगा? थर्ड बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट, Na2CO3 कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस बट K2CO3 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज, वही पोटेशियम बाइकार्बोनेट इज मोर सोल्यूबल देन सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि फर्स्ट है कि बाइकार्बोनेट की सोलिबिलिटी नीचे जाने पर इंक्रीज होती है, तो ये एक्वस फॉर्म में यही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो पोटेशियम कार्बोनेट में नहीं जा पाएगा। क्लियर? सोडियम अमलगम ऑन रिएक्शन विद वाटर यील्ड, तो याद रखे ये सोडियम अमलगम है वाटर के, कास्ट केलिनर सेल है आपके दे रखा है, तो वाटर से ये रिएक्शन करता है तो बनाएगा NaOH प्लस HG और प्लस H2 यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। विग्रेस रिएक्शंस ऑफ सोडियम विद वाटर इज कंट्रोल्ड बाय मरकरी, तो अमलगम बना के उसको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट, मेटल फ्रॉम बेसिस, ये बेसिक कर लो भाई इसको, हाइड्रोक्साइड विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाइड्रोक्साइड इज द लीस्ट बेसिक, तो हमेशा याद रखो मेटेलिक ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड, इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी से इन्वर्सली होगी, तो नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी, ये एल्कलाई अर्थ मेटली तो है, नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है डाउन द ग्रुप, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो यहाँ पर सबसे लीस्ट बेसिक कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी इन एल्कलाई मेटल्स, तो एल्कलाई मेटल में डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, तो आपका ये आ जाएगा थर्ड आंसर। नेक्स्ट, ये तो थे आपके MCQ, अब बात करते हैं अपन इंटीजर टाइप के क्वेश्चन, सिंगल चॉइस क्वेश्चन हो गए आपके 45, 45, 45। अब बात करते हैं इंटीजर में, द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बेरिलियम, इनके वैकेंट डी ऑर्बिटल तो होता नहीं है, तो इनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है? 4। नेक्स्ट, अमंग आपको ये दिया है, तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी देखी जाए तो बेरिलियम कार्बोनेट इससे ज़्यादा मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा, फिर इससे ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट होगा, फिर इससे ज़्यादा स्ट्रोंशियम कार्बोनेट होगा, तो आपको यही पूछा है मैग्नीशियम कार्बोनेट से ज़्यादा कितने हैं, इन ऑप्शंस में से 2 हो गए, क्योंकि पॉलीएटॉमिक एनायन जो रखेंगे उनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चलेगी 5, इसका मतलब है चार्ज अपॉन साइज बड़ा बड़े के साथ खुश है। क्लियर? नेक्स्ट, द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस इज, ये आर कर लेना, आर हायर देन दैट ऑफ एल्कलाई मेटल आयंस, सो
बिल्कुल, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और दोनों के साथ ही MgCl2.6H2 आएगा। नीचे जाने पर ये कम होते जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल, जैसे लास्ट में बेरियम आ जाएगा उसके लिए ये वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 ही आ जाती है। खैर यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, तो आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट, अमंग लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट फॉर्म नाइट्राइड। तो आपको पता है सोडियम पोटेशियम रूबीडियम और सीजियम, फर्स्ट एक है लिथियम, सेकंड एक है सारे, और बाकी इधर वाली मेटल्स जो भी होती हैं वो सारी डायरेक्ट नाइट्राइड बना सकती हैं। तो लिथियम बना लेगा, ये बना लेगा, क्यों, स्मॉल साइज की वजह से लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो कितने आंसर आ जाएंगे इसमें, 3 आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट, अमंग लिथियम सोडियम बेरिलियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाउ मेनी एलिमेंट्स गिव्स फ्लेम टेस्ट। तो ये दोनों नहीं दे पाते, स्मॉल साइज की वजह से क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइटली होल्ड रहेंगे न्यूक्लियस से, तो ये स्पेसिफिक कलर शो नहीं करते फ्लेम में। बाकी ये आपको पता है कि ये कर देगा सोडियम, कर देगा गोल्डन येलो कलर देता है, ये क्रिम्सन रेड देता है, ठीक है, ये आपका ब्रिक रेड दे देगा। क्लियर, तो आपका कौन कितने आ जाएंगे इसमें, गिव्स फ्लेम टेस्ट, 3 है जो फ्लेम टेस्ट देंगे। क्लियर, नेक्स्ट, अमंग लिथियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट रुबिडियम नाइट्रेट कैल्शियम नाइट्रेट बेरियम नाइट्रेट हाउ मेनी कंपाउंड्स गिव्स 2 पैरामैग्नेटिक गैसेज ऑन हीटिंग। इसको गर्म करेंगे तो Li2O बनेगा, NO2 बनेगी और O2, ये दोनों के दोनों गैसे ही पैरामैग्नेटिक है। ये डिकम्पोज करेंगे तो KNO2 बनेगा और साथ में बनेगी O2, तो एक ही पैरामैग्नेटिक गैस दे पाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे आपका RbNO2 नाइट्राइड बन जाएगा और एक पैरामैग्नेटिक गैस बन जाएगी। इनका ये करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, NO2 बन जाएगी और O2, ये दोनों ही पैरामैग्नेटिक हैं। इसको हीट करेंगे तो बेरियम ऑक्साइड बन जाएगा, NO2 बन जाएगी और O2, ये दोनों ही पैरामैग्नेटिक है। तो ऐसे कितने आ गए, 1, 2 एंड 3, तो कितना आंसर आ जाएगा इसमें, 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अमंग लिथियम पोटेशियम रूबीडियम बेरियम कैल्शियम एल्युमिनियम हाउ मेनी एलिमेंट्स फॉर्म सुप्रोक्साइड। सुप्रोक्साइड हो गया, ये सुपर ऑक्साइड कर लेना इसको, क्लियर, विद एक्सेस O2। तो सुप्रोक्साइड कौन देते हैं, फर्स्ट वाले में पोटेशियम देगा, रूबीडियम देगा और सीजियम देगा। हालांकि कुछ क्वांटिटी में सोडियम भी देता है, लेकिन वेरी स्मॉल अमाउंट, सोडियम यहाँ ऑप्शन है नहीं, और बाकी मेजरली यही देंगे दोनों। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 2। हाउ मेनी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स डू नॉट गिव्स ब्लू कलर इन लिक्विड अमोनिया। तो एक तो बेरिलियम और एक मैग्नीशियम, ये दो नहीं देते क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्ट्रॉन्गली होल्ड होते हैं भाई न्यूक्लियस, तो आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट, H2O2, तो आपको पता है H2O2 में लोन पेयर कितने होते हैं, 2, तो ये रहे 2, ये तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। नेक्स्ट, अमंग Na2O2 Ba2 परोक्ष लिंकेज पूछे, तो परोक्साइड कौन सा है, एक तो ये रहा एक ये रहा, ये तो सुपरोक्साइड हो गया, ये गया, ये ऑक्साइड हो गया, ये भी गया, ये परोक्साइड रहा, और इसमें भी 2 परोक्ष लिंकेज होते हैं, तो आपके कितना आ गया आंसर, 4। सोडियम NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको पता है सोडियम जिंकेट बन जाएगा, एक्स हो गया सोडियम जिंकेट, और बेरिलियम Na2BeO2, ये हो गया बेरिलियम जिंकेट, तो टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4, तो आंसर यहाँ आ जाएगा 4। करेक्ट स्टेटमेंट देख लीजिए, बिल्कुल ये वीक एसिड होता है, एसिड की स्ट्रेंथ, ये अभी अपन ने क्वेश्चन में किया भी था, एसिड की स्ट्रेंथ का सीक्वेंस यही होता है, CO2 फिर H2O2 फिर BP, बोले तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, तो H2O2 का ज्यादा होता है H2O से, तो तीनों ही करेक्ट है। नंबर ऑफ परोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, तो इसके अंदर आपको पता है CrO5 और H2O बनेगा, इसमें परोक्सी लिंकेज है, +6 में था, एक परोक्सी लिंकेज ये है, एक परोक्सी लिंकेज ये है, तो कितने आ गए, 2।
केलवन सोडियम हेक्सामेट फॉस्फेट होता है, तो ये 18 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 18. हाउ मेनी कंपाउंड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर. टेम्पररी हार्डनेस की बात करें तो टेम्पररी जो हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सॉल्ट की वजह से होती है, तो एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो आंसर आ जाएगा. आई होप सबका पेपर अच्छा गया होगा, बाकी किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप यहाँ से उसका सोल्यूशन देख सकते हैं. ओके, थैंक यू. जय सी एल सी.